हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, तो बेटा सिमेट्री में क्या होता है, जब सारे वेरिएबल्स क्वेश्चन में इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हो तो हम सिमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सारे वेरिएबल्स को इक्वल मान लेते हैं। मैं वापिस कहता हूँ इस बात को, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री हम तब लगाएंगे जब क्वेश्चन में सारे वेरिएबल्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम आ रहे हों, तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री लगा सकते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, सारे वेरिएबल्स को इक्वल मान लेते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ज्यादातर क्वेश्चन जो लिए जाएंगे क्लास में वो एसएससी में आए हुए क्वेश्चन होंगे या उस जैसे ही क्वेश्चन होंगे। देखिए ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी प्लस सी, बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी प्लस ए, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, C इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो आपने क्या करा बेटा, फर्स्ट थिंग आपने A बराबर B बराबर C मान लिया। अब आप बोलेंगे A स्क्वायर बराबर हो जाएगा A प्लस A के, A स्क्वायर बराबर हो जाएगा A प्लस A के। तो A स्क्वायर का वैल्यू आ गया, A स्क्वायर कितना आ गया, 2A आ गया, और यहां से एक A और एक A कैंसिल हो जाएगा तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन में हम इसको भी a बनाते हैं, इसको भी a बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 1 अपॉन 1 प्लस a आ जाएगा। फिर तीन बार आ जाएगा, एक बार ये रहा और एक बार ये रहा, तीन बार आ जाएगा, तीन बार आ जाएगा। और a का वैल्यू हमें क्या पता है, 2 पता है, तो हम a की जगह 2 पुट कर देंगे। तो हम a की जगह 2 पुट करेंगे 1 प्लस 2, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सिमेट्री में हमें करना क्या है बेटा, इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन में वेरिएबल्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहे हैं तो हमें सिमेट्री लगानी है। हम अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, देखिएगा और एक बार खुद ट्राई करिएगा, फिर आप देखिएगा वीडियो को आगे कंटिन्यू करके। इसमें भी क्या हो रहा है बेटा, सारे वेरिएबल इक्वल नंबर ऑफ टाइम आ रहे हैं। देखिए दो बार एक्स आ रहा है, दो बार वाई आ रहा है, दो बार ही जेड आ रहा है। तो क्या करना है आपको, आपको करना है x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू जेड। फिर आप करेंगे तो आपका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स आ जाएगा बेटा। फिर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टू एक्स आ जाएगा। फिर एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये चीजें एक बार दो बार और तीन बार रिपीट हो रही है, तो आप क्या करेंगे, 3 टाइम्स 3x अपॉन एक्स प्लस टू, और एक्स का वैल्यू आपको पता है बेटा, एक्स का वैल्यू क्या पता है आपको, 2 आया था एक्स का वैल्यू आपके पास, तो वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, तो 3 इंटू 2 और अपॉन 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4, 2 इंजा 2 2 2 जै 4, 9/2 आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 9/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए सिमेट्री को लेकर। अब ये क्वेश्चन भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए बेटा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी में आए आज तक, m माइनस 3a³ अपॉन b³ प्लस c³, m माइनस 3b³ अपॉन a³ प्लस c³, m माइनस 3c³ अपॉन a³ प्लस b³ इक्वल्स टू 9। अब ये भी देखिए सिमेट्री दिख रही है, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, साइकिल में चलेगा बेटा, सिमेट्री तो यहाँ पे कोई चीज साइकिल में चल रही है, ए बी सी, बी सी ए, ये कोई भी एक पैटर्न फॉलो हो जाएगा, सी ए बी, ये सब क्वेश्चंस को सिमेट्री के क्वेश्चंस कहा जाता है। जब भी कोई साइकिल चल रही है जैसे ए सी बी, फिर बी ए सी, ये साइकिल ही तो है बेटा, वही पहले ए फिर सी आ रहा है, फिर एक छोड़ के बी आ रहा है, फिर बी फिर सी के बाद ए आ रहा है, सी नहीं आ रहा, ए आ रहा है, तो कोई ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, इसको हम साइकिल कहते हैं बेटा। तो ये सिमेट्री का क्वेश्चन है, सिमेट्री का है तो क्या हो जाएगा, तीन बार आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, एम माइनस 3a³ अपॉन a³ प्लस a³ इक्वल्स टू 9, और 3 1 जा 3 3 3 जा 9, ये दो बार a³ आ गया, तो एम माइनस 3a³ अपॉन 2a³ इक्वल्स टू 3, तो 3 2 6 आ गया बेटा, तो m इक्वल्स टू 6a³ प्लस 3a³, और यहां से हमारे पास m का वैल्यू आ गया 9a³,
अब कौन सा ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है वही ऑप्शन आंसर बनेगा। एबीसी को बराबर करना है तो ये ए क्यूब प्लस ए क्यू प्लस ए क्यू बनेगा, ये कितना बनेगा 3AQ बनेगा जो कि गलत आंसर है। फिर यहाँ पे भी ए क्यूब ए क्यूब ए क्यू बनेगा तो कितना बनेगा 6AQ बनेगा, ये भी हमारा गलत आंसर है। यहाँ पे ए क्यूब ए क्यूब एर ए क्यूब सिक्स थ्री ए क्यूब कितना आ जाएगा 9AQ आ जाएगा और हमारा आ क्या रहा था 9AQ भी आ रहा था और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 2 भी गलत आंसर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा सिमेट्री को लेकर अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी एसएससी में आया, ये क्वेश्चन आप देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चन, इन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, दिखने में बहुत टफ है। अगर सिमेट्री आपको समझ में आएगा तो ये क्वेश्चन आप देखते ही सॉल्व कर देंगे, दे आर रियली वेरी इजी। और सिमेट्री ही लगाना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लगाना। वापिस देखिए, देखो साइकिल है ए बी सी बी सी ए सी ए बी, वही साइकिल चल रही है। अगर साइकिल चल रही है या ऐसे कह लें हर वेरिएबल इक्वल बार रिपीट होके आ रहा है तो हमारा क्या लगेगा सिमेट्री लगेगा, सिमेट्री लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ए बराबर बी बराबर सी आ जाएगा। तो ये एक बार आ गया, ये दो बार आ गया, तीन बार आ गया, तो 3 times x - a का स्क्वायर और ए बी सी बराबर है तो बी प्लस सी क्या हो जाएगा ए प्लस ए हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वल्स टू 4 times a + a + a और ये कितना आ गया 3 times x - a का स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर और बेटा ये कितना आ गया 4 into 3a। तो इस 3 से यह 3 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो x - a स्क्वायर, अब ये 4a, ये 2a बेटा स्क्वायर नहीं है 2a है, यहाँ पे a प्लस a क्या होता है 2a होता है, तो 4a into 2a करेंगे तो कितना आ जाएगा 8a स्क्वायर आ जाएगा और ये इधर आके प्लस का हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 9a स्क्वायर। अब ऑप्शन चेक करेंगे किसमें a b c को बराबर करने से 9a स्क्वायर आ रहा है, तीनों को बराबर करा हमने ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर तो पूरा कट जाएगा जीरो आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है 3a² आ रहा है, तो ये भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे बराबर करो a into a a square, a into a a square, a into a a square, ये भी 3a² आ रहा है तो ये भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे रखेंगे तो a + a + a कितना आ गया 3a आ गया और अगर आप 3a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9a² आ जाएगा और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है इफ x into x + 2 = x + y + z, y into y + 2 = x + y + z, z into z + 2 = x + y + z, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 upon x + 2 + 1 upon y + 2 + 1 upon z + 2। तो देखिए ये भी सिमेट्री का क्वेश्चन है, सिमेट्री का क्वेश्चन है तो हमें क्या करना चाहिए बेटा x = y = z कर लेना चाहिए। तो आपका क्या आ जाएगा x into x + 2 और ये कितना आ जाएगा बेटा x + x + x, तो कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा बेटा, तो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा 3 + 3 प्लस का 2 उतरा के क्या होगा माइनस का 2 हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। यहाँ पे हम तीन बार आ रहा है क्वेश्चन तो तीन बार आ रहा है क्या आ रहा है 1 upon x + 2 आ रहा है, वही सिमेट्री रखा है हमने तो xyz बराबर है, तीन बार आ रहा है x की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1 + 2 आ जाएगा, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आंसर आ गया और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेटा। सिमेट्री के अंदर कुछ नहीं बेटा, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चन कुछ भी आ जाए आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये भी हमारा जो एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूँ, ज्यादातर क्वेश्चन एसएससी मेंस में आए हुए हैं इनमें से और क्वेश्चन बहुत इजी हैं, कोई टाइम नहीं खाएंगे कुछ नहीं खाएंगे, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे, बस आपको सिमेट्री लगाना है और कुछ भी लगाया तो बहुत टाइम लगेगा बेटा। 2 + a / a जैसे आप सब वेरिएबल्स को इक्वल मानते हैं कुछ वैल्यू पुट करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है वैल्यू अज्यूम करने में। देखिए 2 + a / a 2 + b / b +2 + c / c = 4 देन द वैल्यू ऑफ ab + bc + ca / abc, तो देखिए सब बराबर आ रहा है
तो आपने क्या करा, थ्री टाइम्स सबको आपने बराबर मान लिया, तो आपने क्या मान लिया, ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, ठीक है। तो ये आ गया थ्री टाइम्स टू प्लस ए अपॉन ए इक्वल्स टू फोर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो आप बेटा, कितना आ रहा है, सिक्स प्लस थ्री ए बराबर आ रहा है फोर ए के, भाई सिक्स प्लस थ्री ए बराबर आ रहा है फोर ए के, ये प्लस का थ्री ए इधर के माइनस का हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना आ गया बेटा, सिक्स आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करने से पहले देख लो हो क्या रहा है, ये ए और ये भी ए, तो ए स्क्वायर आएगा, ये भी आपका ए स्क्वायर आएगा और ये भी आपका ए स्क्वायर आ जाएगा, भाई ए बी सी बराबर है तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, बी सी भी आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, सी ए भी आपका ए स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा बेटा। अब ऊपर क्या आ रहा है, थ्री बार ए स्क्वायर आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है बेटा, ए क्यूब आ रहा है, तो दो ए तो कट जाएंगे बेटा, एक थ्री बचेगा और एक ए बचेगा, ए का वैल्यू कितना आया था, सिक्स आया था, थ्री अपॉन सिक्स, तो आंसर कितना आ जाएगा, वन अपॉन टू आ जाएगा और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो सिमेट्री को लेकर, अगला क्वेश्चन सिमेट्री को लेकर देखो बेटा, इफ ए अपॉन वन माइनस टू ए प्लस बी अपॉन वन माइनस टू बी प्लस सी अपॉन वन माइनस टू सी इक्वल टू हाफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन अपॉन वन माइनस टू ए प्लस वन अपॉन वन माइनस टू बी प्लस वन अपॉन वन माइनस टू सी इज, और चार ऑप्शन दे रखे वन टू थ्री फोर। देखिए मैं आपको वापस कहता हूँ, वीडियो को एक बार पॉज करिए और एक बार खुद ट्राई करिए कि आप आंसर कितना जल्दी निकाल पाते हैं। तो आपको दिख रहा है आपने सिमेट्रिकल क्वेश्चन, तो आपने ए बराबर बी बराबर सी रख लिया, अब आपने ए बराबर बी बराबर सी रखा तो कितना आ गया, थ्री आ गया, ये ए आ गया बेटा और ये वन माइनस टू ए आ गया इक्वल्स टू कितना आ गया, वन बाय टू आ गया। फिर सॉल्व करेंगे तो थ्री टू जा सिक्स, सिक्स ए आ जाएगा और कितना आ जाएगा, वन माइनस टू ए, वन माइनस टू ए को इधर लाके पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एट ए आ जाएगा इक्वल्स टू वन आ जाएगा और यहां से ए का वैल्यू वन बाय एट आ जाएगा। अब इसके अंदर ये देखिए, ये भी तीन बार रिपीट हो क्या रहा सेम मैनर में, तो आप बोलेंगे थ्री टाइम्स वन अपॉन वन माइनस टू ए और ए की जगह ए का वैल्यू आ जाएगा और ए का जो वैल्यू आ रहा है बेटा वो आ रहा है वन अपॉन वन माइनस टू इंटू वन बाय एट, तो टू वन जा टू, टू फोर जा एट। अब अगर वन में से, अगर आप वन में से वन बाय फोर माइनस कर दोगे बेटा तो क्या आ जाएगा, थ्री बाय फोर आ जाएगा, ये थ्री और थ्री कैंसिल हो जाएगा, फोर ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, फोर, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेटा, फोर। अगला क्वेश्चन देखो सिमेट्री को लेकर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी प्लस एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, और आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का माइनस टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर। अब जैसे कई लोग कहते हैं इसको आप वैल्यू ऑप्शन पुट करके कर सकते हैं सॉल्व, आपका ऑप्शन पुट करके आंसर आ जाएगा लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा आपको सॉल्व करने में, तो बेस्ट तरीका वही है, अगर आपको सिमेट्रिक दिख रहा है तो आप सिमेट्री लगाओ ना बेटा, देखो सिमेट्री दिख रहा है ए बी सी ये सब सिमेट्री में चल रहे हैं, तो आपको देखा तीन बार आ रहा है तो आपने बोला थ्री टाइम्स, थ्री टाइम्स एक्स प्लस ए स्क्वायर, और आपने बोला ए बी सी बराबर है बेटा ए बराबर बी बराबर सी, तो प्लस टू ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस ए, इसका वैल्यू कितना आ गया बेटा, जीरो आ गया। यहां से आप ये थ्री उतरा के जीरो हो जाएगा, ये टू ए भी उतर जाके जीरो हो जाएगा, क्या रह जाएगा एक्स प्लस थ्री ए स्क्वायर रह जाएगा, एक्स प्लस थ्री ए स्क्वायर वो भी जीरो आ जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का थ्री ए स्क्वायर। अब आप एक्स की जगह ए की जगह ए बी सी को बराबर करेंगे तो प्लस का थ्री ए स्क्वायर आएगा, यहाँ पे बराबर करेंगे तो ये फोर ए स्क्वायर आएगा, इसको बराबर करेंगे तो ये ए का स्क्वायर और माइनस का फोर ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसको बराबर करेंगे तो थ्री ए स्क्वायर आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए सिमेट्री को लेकर, ये जो बताया है ये बेस्ट कॉन्सेप्ट है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इससे बढ़िया तरीका हो ही नहीं सकता बेटा, दिस इज द बेस्ट मेथड। वन अपॉन वन प्लस एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस वाई प्लस वन अपॉन वन प्लस जेड इक्वल टू वन,
आपसे बोल रहा है बताओ x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड, और चार ऑप्शन दे रखे 0, 1, 2, 3। तो बेटा देखो दिख रहा है क्वेश्चन सिमेट्रिक है, अगर सिमेट्रिक है तो सिमेट्री लगाइए इसमें, 3 टाइम्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1, और ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 1, ये सॉरी आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए हाथ क्या थी, तो 3 वन जा 3, 3 बराबर आ जाएगा 1 प्लस एक्स के, और यहां से x का वैल्यू 2 आ जाएगा बेटा। अब ये आपको दिख रहा है तीनों चीजें सिमेट्रिक हैं, x अपॉन 1 प्लस एक्स, y अपॉन 1 प्लस वाई, जेड अपॉन 1 प्लस जेड, तो तीन बार आ जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 2, तो 2 प्लस 1 3, और 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा 2, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए आप सिमेट्री को लेकर, अगला क्वेश्चन ये रहा आप देखिए, अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, इफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू ए बी सी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी अपॉन ए बी इंटू सी माइनस वन प्लस बी सी अपॉन बी सी इंटू ए माइनस वन प्लस सी ए अपॉन ए सी इंटू बी माइनस वन, इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो बेटा इसमें करना क्या है, सिमेट्री का क्वेश्चन है तो हमें पता है ए बराबर बी बराबर सी करना है, तो हमने करा ए बराबर बी बराबर सी, तो इससे क्या जाएगा ए बी क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर हो जाएगा, बी सी भी क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए सी भी क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर हो जाएगा, और ए बी सी क्या हो जाएगा ए बी सी क्या हो जाएगा ए का क्यूब हो जाएगा, तो ए क्यूब बराबर आ जाएगा बेटा 3 ए स्क्वायर के, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा ए का वैल्यू 3 आ गया, मतलब ए बी 3 है, बी बी 3 है और सी बी 3 है। अब देखिए तीन बार है ये, तो हम लिखेंगे 3 टाइम्स ए प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस वन, तो क्या आ जाएगा 3 टाइम्स ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2 ए हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 ए अपॉन ए स्क्वायर और ए माइनस वन, और एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 2 6 अपॉन ए की जगह 3 आएगा, और 3 माइनस वन 2 हो जाएगा, 3 2 6 और 6 अपॉन 6 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर बेटा, आपसे बोल रहा है इफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी प्लस बी प्लस सी अपॉन 1 माइनस बी सी प्लस सी प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए सी, इसका वैल्यू क्या आएगा, ऑप्शन दे रखे ए प्लस बी प्लस सी ए बी सी अपॉन, और अगला ऑप्शन है 1 अपॉन ए बी सी 1। देखिए ये भी एसएससी मेंस में आया क्वेश्चन है, अब सिमेट्री का क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे ए बराबर बी बराबर सी कर दो, ठीक है, फिर आप बोलेंगे ए का स्क्वायर आ गया प्लस ए का स्क्वायर आ गया प्लस ए का स्क्वायर आ गया बराबर 1 आ गया बेटा, तो कितना आ गया 3 ए का स्क्वायर आ गया 1, तो ए स्क्वायर कितना आ गया बेटा 1 अपॉन 3 आ गया, ठीक है। अब इसको वैल्यू को यहां पुट करेंगे, ये तीन बार आ रहा है, एक बार दो बार तीन बार, तो आप बोलेंगे 3 टाइम्स आ गया, क्या आ गया ए प्लस बी, ए प्लस बी तो ए प्लस ए हो गया बेटा, और ये क्या है 1 माइनस ए इंटू ए, मतलब 1 माइनस ए स्क्वायर है बेटा, तो 3 आ गया ऊपर 2 ए आ गया, और नीचे वाले का वैल्यू हमें पता है बेटा, तो नीचे हमने वैल्यू लिया है 1 माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है 1/3। क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट मत करिए, ए का वैल्यू 1/√3 लाके क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट मत करिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका, क्या आ गया 3 आ गया इंटू 2 आ गया इंटू ए आ गया, 1 में से 1/3 गया तो कितना आ गया 2/3 आ गया, तो नीचे 2 आ गया ऊपर 3 मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका आंसर क्या आया 9a आया, लेकिन इस जैसा तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा हमारे को, तो हमें क्या करना पड़ेगा 9 का वैल्यू लाना पड़ेगा, तो हमें क्या पता पड़ रहा है 3 पता पड़ रहा है, 3 का वैल्यू क्या है 1 अपॉन ए स्क्वायर, और अगर अब हम स्क्वायरिंग कर दें बेटा, यहां देखिए आप ध्यान से, अगर अब हम स्क्वायरिंग कर दें तो क्या आ जाएगा, स्क्वायरिंग करने पे क्या आएगा 9 आ जाएगा, 9 बराबर आ जाएगा 1 अपॉन ए की पावर 4 की, तो यहां पे हम 9 का वैल्यू लिया है अब, तो क्या आएगा a अपॉन a की पावर 4, और इसको अगर हम सॉल्व करें बेटा तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन a का क्यूब आ जाएगा,
दिख रहा है ए बी सी को बराबर रखने पे अपॉन में तो नहीं आ जाएगा, ए बी सी को बराबर रखने पे अपॉन में नहीं आएगा, वन तो पॉसिबल ही नहीं, और ये आ रहा है वन अपॉन ए बी सी, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है बेटा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को बेटा हम ऐसे भी कर सकते थे, इस क्वेश्चन को वापस देखिए हम एक और तरीके से करके दिखाते हैं, सिमेट्री से भी जल्दी हो जाएगा, लेकिन वो कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो सिमेट्री से जल्दी हो पाते हैं ऑल्टर मेथड से, ठीक है ना। वैसे ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है आप यहाँ देखिए ध्यान से, आपको नीचे क्या दिख रहा है, वन माइनस ए बी दिख रहा है, नीचे क्या दिख रहा है, वन माइनस बी सी दिख रहा है, नीचे क्या दिख रहा है, वन माइनस ए सी दिख रहा है। तो मैं आपको कहूं आपको क्या दे रखा था बेटा, आप बोलेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दे रखा था आपको, और उसका वैल्यू क्या दे रखा था आपको, वन दे रखा था। तो मैं आपको कहूं वन माइनस ए बी क्या हो गया, तो ये प्लस का ए बी उतरा के क्या हो गया, माइनस का ए बी हो गया, तो वन माइनस ए बी क्या हो गया, बी सी प्लस सी ए हो गया। फिर मैं आपको कहूं वन माइनस बी सी क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे वन माइनस बी सी हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। फिर मैं आपको कहूं वन माइनस ए सी क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे वन माइनस ए सी हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। तो अब सारी वैल्यू यहां लाके पुट कर दीजिए आप, तो आप वैल्यू पुट करेंगे तो ऐसे वैल्यू पुट हो जाएगा, देखिए आप मैं आपको वैल्यू पुट करके दिखाता हूं, तो आप बोलेंगे ए प्लस बी अपॉन बी सी प्लस सी ए, फिर अगली वैल्यू आ गया आपके पास बी प्लस सी अपॉन ए बी प्लस ए सी, फिर आपके पास अगला वैल्यू आ गया ए प्लस सी अपॉन अपॉन ए बी प्लस बी सी। अब यहां से कुछ कॉमन निकलता दिख रहा है बेटा आपको, तो आप बोलेंगे सी कॉमन निकल गया, ऊपर क्या है ए प्लस बी है और नीचे से सी कॉमन निकल गया, ऊपर ए प्लस बी है और नीचे से सी कॉमन निकल जाएगा तो ए प्लस बी आ जाएगा, ऊपर बी प्लस सी है नीचे से ए कॉमन निकल जाएगा तो ए प्लस सी, ओ तो ए कॉमन निकल जाएगा बी प्लस सी आ जाएगा, नीचे भी बी प्लस सी आ जाएगा, और ऊपर हमारे पास ए प्लस सी है नीचे से बी कॉमन निकल जाएगा तो भी हमारे पास ए प्लस सी आ जाएगा। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो बेटा आप, तो ए प्लस बी और ये ए प्लस बी कैंसिल हो गया, बी प्लस सी और ये बी प्लस सी कैंसिल हो गया, ए प्लस सी और ए प्लस सी कैंसिल हो गया, तो वन अपॉन सी आ गया, वन अपॉन ए आ गया, वन अपॉन बी आ गया। और अगर आप इसको एलसीएम ले लें तो ए बी सी एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, और इसका वैल्यू हमारे को क्या दे रखा था, आप ध्यान से देखो इसका वैल्यू हमारे को दे रखा था वन, तो अगर हम यहाँ पे लाके इसका वैल्यू पुट कर दें तो अभी भी हमारा आंसर वही आ रहा है ए बी सी। तो यही बात तो बेटा याद कर लो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है वन वाला और नीचे दिख जाता था आपको ये लॉजिक दिख जाना चाहिए, ये बहुत फास्ट हो सकता था, मतलब मैं आपको समझाने के लिए सब कुछ लिखा, नहीं तो इतना लिखने का जरूरत नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। ये हम वैसे देख के कर सकते थे कि सी कॉमन निकल रहा है यहाँ पे और ये ए प्लस बी बन रहा है, यहाँ पे ए कॉमन निकल रहा है, ये बी प्लस सी बन रहा है, ये बी कॉमन निकल रहा है, ये ए प्लस सी बन रहा है, और इस क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एसएससी में आया, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड प्लस वन, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस वन, और बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, और देखिए दो दो ऑप्शन दे रखे हैं। अब बेटा यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुटिंग वाला गेम कर रहे हैं, जैसे नॉर्मली बच्चे वैल्यू पुट करते हैं एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड को वन रख देते हैं, फिर दूसरा वैल्यू जल्दी से क्लिक नहीं करेगा, तो इस जगह अगर आप वैल्यू पुटिंग करते हैं तो आप बहुत बड़ा टाइम वेस्ट कर सकते हैं अपना, हो सकता है आपको दूसरा वैल्यू क्लिक नहीं करे, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैल्यू पुटिंग की जगह अगर हम सिमेट्री लगाएं तो हमारा आंसर बहुत फटाफट आ सकता है। तो अगर सिमेट्री लगता हुआ दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड सब बराबर बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे सिमेट्री लगा लें, मतलब मैं आपको कहना चाहता हूँ एक्स बराबर वाई बराबर जेड को बराबर पुट कर दें, फिर आपके पास क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू जेड प्लस वन दे रखा है, आपने एक्स वाई जेड को बराबर कर दिया तो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वन आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का एक्स इधर आके माइनस का एक्स और माइनस का वन, ठीक है। मैं आपको इसके भी शॉर्टकट बताऊंगा आज की क्लास में कि इसके फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, क्वाड्रेटिक की मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं, हम सीधा वैल्यू निकाल सकते हैं, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा आज। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है तो बेटा क्या आएगा, माइनस का टू एक्स प्लस का वन एक्स माइनस वन बराबर जीरो, फिर आपका टू एक्स कॉमन निकल गया बेटा,
और क्या बचेगा, x माइनस वन प्लस वन कॉमन निकल गया बेटा, क्या बचेगा x माइनस वन। और अगर आप x माइनस वन को कॉमन निकाल लें तो आपके पास क्या बचेगा, 2x प्लस वन। और इससे आपके पास x की दो वैल्यू आ जाएंगी बेटा, x का आपके पास पहला वैल्यू आ रहा है 1, x का आपके पास दूसरा वैल्यू आ रहा है माइनस का 1/2। तो अब आपसे पूछा था x y z बताओ, तो अगर आप x का वैल्यू 1 लेते तो 1 × 1 × 1 मतलब 1 आंसर आ गया, मतलब माइनस 1 आंसर नहीं हो सकता। फिर अगर आप माइनस का हाफ लेते हैं तो माइनस का हाफ और माइनस का हाफ, और ये वैल्यू माइनस का 1/8 आ गया, ये वैल्यू माइनस का 1/8 आ गया। तो 1 और माइनस 8 जिस ऑप्शन में वही ऑप्शन सही है। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू अज्यूम करेंगे तो आप अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक अगला एग्जाम्पल और देता हूँ, यहाँ पर भी बच्चे वैल्यू अज्यूम करने में गलती कर जाते हैं और फिर बोलते हैं हमारा आंसर गलत आ गया वैल्यू अज्यूम करने से। तो भाई आपको किसने कहा था वैल्यू अज्यूम करने के लिए, आप ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में आया क्वेश्चन। मैं बता दूं गलती क्या करते हैं, आप सोचिएगा वैल्यू अज्यूम करके करते आप क्या करते हैं, वीडियो को पॉज करिएगा 2 मिनट के लिए और आप सोचिएगा अगर वैल्यू आपको मैं कहता वैल्यू अज्यूम करो तो आप वैल्यू क्या अज्यूम करते, इसमें क्या आपको वैल्यू दिख रही है जिसको रखने से ये बराबर आ जाएगा। तो ज्यादातर बच्चों को दिख जाता है, क्या दिखता है बताता हूँ और फिर बताऊँ गलती क्या कर जाते हैं। ज्यादातर बच्चों को दिख जाता है कि सर ए को 1 कर दिया, बी को 1 कर दिया, सी को 1 कर दिया और उसकी पावर एक्स है। फिर बोलते हैं इससे पता पड़ गया कि एक्स भी 1 आ गया, और जो कि तरीका गलत है। गलत क्यों है, 1 की तो बेटा कोई भी पावर हो 1 ही होती है, तो एक्स का वैल्यू 1 भी पॉसिबल है, एक्स का वैल्यू 2 भी पॉसिबल है, एक्स का वैल्यू 3 भी पॉसिबल है, एक्स का वैल्यू 4 भी पॉसिबल है। तो इसलिए तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हम एक्स को एक्स मतलब इससे तो हमारा आंसर नहीं आ रहा, तो ये करना गलत है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं बेटा, शायद आपने भी यही सोचा था जो मैंने आपको कहा कि एबीसी को बच्चे बराबर पुट करते हैं, बराबर में 1 पुट करते हैं और फिर वो एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए अब सिमेट्री वाला मेथड यहां पे ही फेल नहीं होगा हमारा, हम कह रहे हैं ए बराबर बी बराबर सी है, तो हम कह रहे हैं ए की पावर एक्स बराबर है ए स्क्वायर के। तो यहां से हमारे पास एक्स का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 2 आ गया, और अब हम इस एक्स की वैल्यू 2 आ गया, देखो प्रॉपर वैल्यू आ गया एक्स का, एक्स का वैल्यू 2 आ गया, एक्स भी 2 है, वाई भी 2 है और जेड भी 2 है, तो 1/(1+2) आ गया। और ऐसा कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो 3 से 3 कट जाएगा बेटा, आंसर कितना आ गया 1, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेटा। अब बेटा देखिए सिमेट्री के अंदर अगला जो पहलू आता है सिमेट्री का, वो सिमेट्री का जो अगला पहलू आता है वो ये आता है, अगर 6 वेरिएबल आ जाए, अगर एक क्वेश्चन में 6 वेरिएबल आ जाए तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जो मैं कह रहा हूं उसको आप ढंग से नोट करिएगा ताकि आप उसको याद रख सके मैं कहना क्या चाहता हूं। देखिए यहां पे क्वेश्चन देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बी वाई प्लस सी जेड, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स प्लस सी जेड, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई। देखिए बेटा 3 इक्वेशन है और आपके पास 6 वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, जेड वेरिएबल है, ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है और सी वेरिएबल है। अगर 3 इक्वेशन आ जाएं और 6 वेरिएबल आ जाएं तो पैटर्न क्या होता है, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं। पहली बात, फर्स्ट थिंग, जो पेयर ऑफ वेरिएबल्स तीनों इक्वेशन में 3-3 बार रिपीट हो रहे हैं उनको इक्वल कर देना चाहिए। भाई देखो बेटा एक्स वाई जेड इसमें भी तीनों आ रहे हैं, एक्स वाई जेड तीनों आ रहे हैं, इस इक्वेशन में भी एक्स वाई जेड तीनों आ रहे हैं और इस इक्वेशन में भी एक्स वाई जेड तीनों आ रहे हैं। तो जो 3 वेरिएबल्स तीनों इक्वेशन में आ रहे हैं उनको तो हमें इक्वल कर देना चाहिए, जो 3 वेरिएबल तीनों इक्वेशन में आ रहे हैं उसको तो हमें इक्वल कर देना चाहिए। अगर किसी इक्वेशन में तीनों वेरिएबल आ रहे हैं, अगर सारी इक्वेशन में तीनों वेरिएबल आ रहे हैं उन तीनों वेरिएबल्स को इक्वल कर देना चाहिए। बाकी जो 3 वेरिएबल रह जाते हैं वो दो दो पेयर बन के आते हैं, जैसे इसमें बीसी आ गया, इसमें एसी आ गया, इसमें एबी आ गया, बाकी जो वेरिएबल रह जाते हैं वो दो दो के पेयर में आते हैं, तो उन तीनों वेरिएबल को 1 मान लेना चाहिए और फिर हमारे को सॉल्व करना चाहिए। हमारा कभी भी गलत नहीं होगा सॉल्व करने पे, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बी को तो हमने 1 मान लिया तो 1 आ जाएगा, वाई को हमने एक्स मान लिया, सी को हमने 1 मान लिया, जेड को हमने एक्स मान लिया, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 2x के। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया बेटा,
एक्स का वैल्यू हमारे पास 2 आ गया और एबीसी को हमने 1 मान रखा है, तो ये भी 3 बार आ गया, ये भी 3 बार आ गया, 3 बार आ गया, क्या आ गया 1 अपॉन एक्स की जगह 2 रखोगे और ए की जगह 1 रखोगे बेटा, तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या रह जाएगा बेटा 1 रह जाएगा, और ये यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेटा। ठीक है, ऐसा क्या, ऐसा एक क्वेश्चन और करते हैं, वापस समझा देता हूं बात को। जो तीन वेरिएबल्स जो तीनों इक्वेशन में बार बार आते हैं, तीनों इक्वेशन में आ रहे हैं, एक्स वाई जेड इसमें भी आ रहा है, एक्स वाई जेड इसमें भी आ रहा है और एक्स वाई जेड इसमें भी आ रहा है, जो तीन वेरिएबल्स तीनों इक्वेशन में आते हैं उनको बराबर मानना चाहिए, बाकी जो बचे हुए तीन वेरिएबल होते हैं वो दो दो के पेयर में आते हैं तीनों इक्वेशन में, उनको हमें बराबर एक मान लेना चाहिए। सेम पैटर्न वन मोर क्वेश्चन देखिए आप, वो क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ था, ये क्वेश्चन एसएससी में नहीं आया है लेकिन आगे जाके फ्यूचर में कभी आ सकता है शायद। देखिए वापिस से वही 6 वेरिएबल हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी वाई प्लस सी जेड, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस सी जेड, जेड स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। अब देखिए वही बात है, एक्स वाई जेड तीनों में आ रहा है, एक्स वाई जेड तीनों में आ रहा है, एक्स वाई जेड तीनों में आ रहा है, तो आप एक्स बराबर वाई बराबर जेड मान लीजिए, इसमें बीसी आ रहा है, इसमें एसी आ रहा है, इसमें एबी आ रहा है, जो दो दो वेरिएबल आते हैं उनको हमें 1 मान लेना चाहिए, तो ए बराबर बी बराबर सी को आप 1 मान लीजिए, तो आपका क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, इसकी जगह 1 आ जाएगा, ये वाई को हमने एक्स माना है, इसकी जगह 1 आ जाएगा, जेड को हमने एक्स माना है, जेड को भी हमने एक्स माना है, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 2x आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 2 आ जाएगा, ये चीज 3 बार आ रही है, एक्स एक्स अपॉन एक्स प्लस ए, वाई वाई अपॉन वाई प्लस बी, जेड अपॉन जेड प्लस सी, तो 3 बार आ रही है, 3 टाइम्स क्या आ रहा है, एक्स की जगह 2 रखो, इसकी जगह 2, इसकी जगह 1, तो 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 और 3 कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया, 2 आंसर आ गया, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बेटा। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, सिमेट्री को लेकर अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन के, एंड के इज नॉट इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और चार ऑप्शन दे रखे 2, 1, 0, 1 अपॉन 2। तो बेटा पहली चीज आपको क्या दिख रहा है, दो बेटा सिमेट्री मान लीजिए मान सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि आपको दिख रहा है कि कटने पर ये ए बी सी, बी सी ए सी ए बी सब बराबर बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन के, तो ये क्या आ गया 2 ए स्क्वायर आ गया बेटा, अपॉन कितना आ गया अपॉन ए स्क्वायर आ गया, ये 1 अपॉन के आ गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा बेटा, 2 कितना आ जाएगा 1 अपॉन के आ जाएगा, तो यहां से के का वैल्यू कितना आ गया 1/2 आ गया, के को उधर ले जाओ 2 को नीचे ले जाओ, तो के का वैल्यू 1/2 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 1/2 आ गया। एक क्वेश्चन और देखिए बेटा, कई बार ऐसा होता है कि हम सिमेट्री नहीं मान पाते, तो कहां पर सिमेट्री नहीं मान पाते एक वो भी चीज देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए एक बार, इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन को करने से पहले एक और क्वेश्चन और देख लीजिए सिमेट्री को लेकर, ये देखिए जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है मेंस के अंदर, आप ट्राई करिए फटाफट फटाफट सोचिए कि आंसर क्या आएगा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया, ए स्क्वायर इक्वल टू बी वाई प्लस सी जेड, बी स्क्वायर इक्वल टू सी जेड प्लस ए एक्स, सी स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, एक्स अपॉन ए प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन बी प्लस वाई प्लस जेड अपॉन सी प्लस जेड, इसका वैल्यू क्या आएगा, ऑप्शन दे रखे 1 ए प्लस बी प्लस सी, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, और डी ऑप्शन दे रखा है 2। अभी मैं आपको दिखाया बताया तीन इक्वेशन है बेटा और 6 वेरिएबल है, मैंने आपको क्या सिखाया, जो तीन वेरिएबल तीनों इक्वेशन में आते हैं उनको बराबर मान लेते हैं, तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी तीनों में आ रहे हैं, तो इनको हमने बराबर मान लिया, ए बराबर बी बराबर सी, और फिर मैंने आपको वो ये कहा कि जो वेरिएबल दो दो के पेयर में आते हैं तीनों इक्वेशन सॉरी जो वेरिएबल दो दो के पेयर में आते हैं तीनों इक्वेशन में उनको बराबर 1 मान लेते हैं, तो बी सी ए सी और ए बी दो दो के पेयर में एक्स वाई वो सॉरी वाई जेड YZ, ZX और XY दो दो के पेयर में आ रहे हैं, तो इनको हम बराबर 1 मान लेते हैं, XY, X बराबर Y बराबर Z बराबर 1 हो गया, तो क्या आ गया A स्क्वायर आ गया बेटा, ये 1 A आ गया और ये प्लस 1
ये आ गया भाई, हमने x, y और z को तो वन माना, ये वन हो गया, ये वन हो गया, ये भी a हो गया, ये भी a हो गया, तो कितना आ गया, a स्क्वायर बराबर आ गया 2a के, a का वैल्यू 2 आ गया। तो यहां पर अगर हम 2 पुट कर दें x की, ये तो तीन बार आ रहा है, एक बार, दो बार और तीन बार आ रहा है, थ्री टाइम्स x की जगह तो हम 1 पुट कर दें, और a की जगह 2 और x की जगह 1 पुट करें, 2 प्लस 1 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो कितना आंसर आ गया, 1 आंसर आ गया, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अब देखिए कहां पर जाकर हमारा सिमेट्री फेल हो जाता है, तो अगर कभी जो गिवन है वो बराबर जीरो दे रखा है तो इस इन केसेस में नॉर्मली सिमेट्री हमारा फेल कर जाता है, a प्लस बी प्लस सी हमारे को जीरो दे रखा है, तो इस केसेस में हमारा सिमेट्री फेल कर जाता है। तो इस केसेस में हमें क्या करना चाहिए, जो गिवन है उसी से स्टार्ट करना चाहिए। देखिए हमसे पूछा वन अपॉन ए प्लस बी बी प्लस सी प्लस वन अपॉन बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस वन अपॉन सी प्लस ए प्लस बी, तो हम क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे बेटा, एलसीएम क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए, और ये आपको दिखना चाहिए अब साफ साफ, यहाँ पे क्या आएगा सी प्लस ए आएगा, यहाँ पे बी प्लस सी और सी प्लस ए आ गया तो क्या आएगा ए प्लस बी आएगा, यहाँ पे सी प्लस ए आ गया और ए प्लस बी आ गया तो क्या आएगा बी प्लस सी आएगा, तो आपको दिख रहा है ऊपर दो बार ए आ गया, दो बार ही बी आ गया और दो बार ही सी आ गया, नीचे वाले को एज इट इज कॉपी कर दिया, ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए करके, और ए प्लस बी प्लस सी जो था हमारा वो जीरो दे रखा था हमारे को, तो एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय जीरो क्या होता है, जीरो हो जाता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आंसर आ जाएगा, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो हो जाता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेटा। और देखिए क्वेश्चन है सिमेट्री को लेकर, इस क्वेश्चन को देखिए आप, ए प्लस बी प्लस सी जीरो दे रखा है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9abc, ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए। देखो बेटा इस तरह से क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया, आपको a प्लस बी दिख रहा है, हमें क्या दे रखा है बेटा, a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो दे रखा है, a प्लस बी दिख रहा है, a प्लस बी क्या हो जाएगा बेटा बताओ, माइनस का c हो जाएगा, फिर हमें b प्लस सी दिख रहा है बेटा, b प्लस सी क्या हो जाएगा बताओ, माइनस का a हो जाएगा, फिर हमें c प्लस ए दिख रहा है, c प्लस ए क्या हो जाएगा, माइनस का b हो जाएगा, बस हो गया सॉल्व, 9abc अपॉन माइनस का a माइनस का b और माइनस का c आ गया और माइनस का c आ गया, तो ये माइनस a और a कट गया, b और b कट गया, c और c कट गया, माइनस 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 हो गया, तो माइनस का 9 आ गया, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे अगर आप इक्वल कर देते तो सब जीरो हो जाता, और सब जीरो होता तो क्वेश्चन नॉट डिफाइन हो जाता, इसलिए हम यहाँ पे सिमेट्री को नहीं लगा सकते थे, और कोई रीजन नहीं था इसके अंदर, इसलिए हम यहाँ पे सिमेट्री नहीं लगा सकते थे। और क्वेश्चन देखिए आप सिमेट्री को लेकर, जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन जेड माइनस टू वाई अपॉन जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स, और ऑप्शन दे रखे हैं 0, 3, 1, 2, तो बेटा इसमें क्या करना है, देखिए वापस जीरो आ रहा है तो हम जीरो तो नहीं मान सकते, सबको जीरो मानेंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हमारा सिमेट्री फेल करता है। तो सिंपल सी बात है बेटा, जो दिख रहा है आप उसको देखो ना, अब क्या दिख रहा है आपको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्स प्लस वाई क्या होगा, माइनस का जेड हो जाएगा, जेड प्लस एक्स क्या होगा, जेड प्लस एक्स क्या होगा, माइनस का वाई आ जाएगा, और y प्लस जेड क्या होगा, माइनस का x आ जाएगा, बस बेटा वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, x प्लस y की जगह वैल्यू आ गया, क्या आया, माइनस का z अपॉन z, माइनस का 2y आ गया, z प्लस x की जगह वैल्यू आया, क्या आया, माइनस का y आएगा, और प्लस y प्लस z की जगह वैल्यू आया, क्या आया, माइनस का x आया अपॉन x आया, z से z कैंसिल हो गया, क्या रह गया, माइनस का 1, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, y से y कैंसिल हो गया, क्या रह गया, प्लस का 2, और ये x से x कैंसिल हो गया, क्या रह गया, माइनस का 1, तो 2 माइनस 1 माइनस 1 आंसर कितना आ गया, 0, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए आप इसके अंदर, a अपॉन q माइनस r इक्वल टू b अपॉन r माइनस p इक्वल टू c अपॉन p माइनस q, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी, ये बेटा a है, पी ए पी ए प्लस क्यू बी पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी, तो बेटा इसको सॉल्व करना सीख लीजिए। तो
तो ए अपॉन क्यू माइनस आर इक्वल्स टू बी अपॉन आर माइनस पी इक्वल्स टू सी अपॉन पी माइनस क्यू पी माइनस क्यू, इसको हमने बराबर के मान लिया। तो यहां से हमारे पास ए का वैल्यू आ जाएगा बेटा के इंटू क्यू माइनस आर, यहां से हमारे पास बी का वैल्यू आ जाएगा बेटा के इंटू रेशियो का रूल होता है ये उधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है के इंटू आर माइनस पी, और यहां से हमारे पास सी का वैल्यू आ जाएगा बेटा के इंटू पी माइनस क्यू। अब एक चीज बताइए मेरे को आप, ए में क्या मल्टीप्लाई हो रखा है यहाँ पे पी, तो आप क्या करेंगे दोनों तरफ पी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपने दोनों तरफ पी से मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए आप फिर बी में क्या मल्टीप्लाई हो रखा है क्यू, तो आप दोनों तरफ क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आपका सी में क्या मल्टीप्लाई हो रखा है वो देखिए आर, तो आप दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी प्लस आर सी इक्वल्स टू के, के कॉमन आ जाएगा तीनों में से। क्या बचेगा बेटा वो देख लो आप, एक तो बचेगा आपके पास क्यू पी, एक बचेगा आपके पास माइनस का आर पी, एक बचेगा आपके पास आर क्यू, एक बचेगा आपके पास पी क्यू, एक बचेगा आपके पास पी आर, और एक बचेगा आपके पास क्यू आर। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर दीजिए, जो भी आपका कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो रहा है बेटा, पी आर से पी आर कैंसिल हो रहा है बेटा, पी आर से पी आर कैंसिल हो रहा है, और क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो रहा है बेटा। तो कितना आ रहा है के इंटू जीरो आ रहा है, और एनी नंबर इंटू जीरो क्या होता है जीरो होता है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया जीरो, और यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेटा। अगला क्वेश्चन आप देखिए बेटा, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं बेटा जहाँ पे हमारे को प्लस वन करना होता है माइनस वन करना होता है, एक बार ये पैटर्न भी सीख लेते हैं हाथ के हाथ। तो आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए बेटा, ये क्वेश्चन हमारे को कह रहा है थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री अपॉन प्लस हंड्रेड अपॉन वाई प्लस हंड्रेड टू थाउजेंड एट अपॉन जेड प्लस टू थाउजेंड एट इक्वल्स टू वन। हमें बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस थ्री वाई अपॉन वाई प्लस हंड्रेड जेड प्लस टू थाउजेंड एट। तो बेटा हमें दिख रहा है, साफ दिख रहा है हमारे को इस x को ऊपर पहुंचाना है। अब ये x ऊपर कैसे आएगा, कोई नंबर अपॉन में है उसको ऊपर लाने के लिए तो प्लस वन करो तो नंबर ऊपर आ जाता है एलसीएम लेने के बाद, और अगर माइनस वन करो तो भी वो नंबर ऊपर आ जाता है एलसीएम लेने के बाद। तो और जो दूसरा नंबर है उसको काटना भी हमारे को प्लस का थ्री, हमें दूसरा नंबर दिख रहा है हमें उसको काटना भी, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखो आप हमें क्या दिख रहा है थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री माइनस वन करेंगे बेटा, एक बार ध्यान से देख लो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। x प्लस थ्री आ गया, ये थ्री आ गया, ये माइनस का x आ गया, माइनस का थ्री आ गया, तो थ्री और थ्री तो कट जाएगा ना, क्या बचा x अपॉन x प्लस थ्री, माइनस तो कॉमन निकाल के उधर भेज देंगे। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसमें करेंगे तो क्या आएगा हंड्रेड अपॉन y प्लस हंड्रेड, और अगर हम यहाँ पे माइनस का वन करेंगे बेटा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस y प्लस हंड्रेड, और क्या आ जाएगा हंड्रेड माइनस y माइनस हंड्रेड, और यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा प्लस जेड अपॉन जेड प्लस सॉरी 2008 अपॉन जेड प्लस 2008, और यहाँ पे माइनस वन करेंगे, जो आगे वाला पार्ट है पहले मैं उसको इरेज कर देता हूँ, माइनस वन करेंगे, जितनी बार माइनस वन यहाँ पे किया है एलएचएस में किया है उतनी बार ही आरएचएस में करेंगे। तो एलएचएस में माइनस वन कितनी बार किया है, तीन बार किया, तो यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस थ्री कर देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 2008 माइनस जेड माइनस 2008 अपॉन जेड प्लस 2008, और वो कितना आ जाएगा माइनस का टू आ जाएगा। तो आप देखिए थ्री और थ्री कट गया, हंड्रेड और हंड्रेड कैंसिल हो गया, और 2008 और 2008 कैंसिल हो गया, और माइनस को कॉमन निकाल के उधर भेज दो, और आपका आंसर आ जाएगा x अपॉन x प्लस थ्री प्लस y अपॉन y प्लस हंड्रेड प्लस z अपॉन जेड प्लस 2008, और आपने उस माइनस को उधर ले लिया तो ये प्लस का टू आ गया, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेटा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं, अगर एक बार ध्यान से ऑब्जर्व कर लें क्वेश्चंस को तो इनको आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आप इसी पैटर्न को लेकर एक क्वेश्चन और देख लीजिए, आप कोशिश करिएगा कि मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखूं और आपका आंसर आ जाए। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, इन पैटर्न में क्या करना है बस याद रख लो, तो प्लस वन करना पड़ता है या माइनस वन करना पड़ता है वो डिपेंड करता है बेटा ऊपर क्या दे रखा है। अगर ऊपर प्लस करने से कट रहा है तो प्लस कर देते हैं, और माइनस करने से कैंसिल हो रहा है तो माइनस कर देते हैं।
तो आप देख लो बेटा क्वेश्चन आपके सामने है, 17 अपॉन एक्स प्लस 17, 1009 अपॉन वाई प्लस 1009, 21 अपॉन जेड प्लस 21 इक्वल्स टू 3। पूछ रहा है आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस 17, वाई अपॉन वाई प्लस 1009, जेड अपॉन जेड प्लस 21। आपको इसका वैल्यू पूछ रहा है बेटा, तो वही देख लीजिए आप। एक स्टेप समझा देता हूं, बाकी तो क्वेश्चन ओरली हो जाएगा आपसे। 17 अपॉन एक्स प्लस 17, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस का वन करना पड़ेगा। वही काम आपको यहां करना पड़ेगा, 1009 अपॉन वाई प्लस 1009, और यहां पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस का वन करना पड़ेगा, 21 अपॉन जेड प्लस 21, और यहां पे भी आपको माइनस का वन करना पड़ेगा। और यहां पे 3 है और आपने माइनस का वन तीन बार किया, माइनस का 3 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। अब यहां पे कॉमन निकाल के माइनस इधर भेज भी देंगे तो भी आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। 0 ना ही प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है, तो अगर आप कॉमन निकाल के इधर भेज भी दें इस चीज को तो भी आंसर में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा बेटा। बात समझ पाए होंगे, तो इस क्वेश्चन को लेकर आंसर हमारा 0 आ गया, 1009 माइनस वाई माइनस 1009 और अपॉन वाई प्लस 1009 और 21 माइनस जेड माइनस 21 अपॉन जेड प्लस 21 21 सॉरी। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो बेटा, तो भी आपको दिख जाएगा 17 और 17 कैंसिल हो गया, 1009 कैंसिल हो गया, 21 कॉमन कैंसिल हो गया, माइनस को कॉमन निकाल के अपने उधर भेज दिया, लेकिन आंसर आपका पहले आ चुका था। तो ऐसा क्वेश्चन कभी सामने आएगा तो उम्मीद करते हैं आप फ्यूचर में कर पाएंगे आराम से। तो आंसर कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान से देख लिया करिए, अगर प्लस माइनस 1 होके सॉल्व हो रहा है तो उसको वैसे सॉल्व कर दिया करिए। क्वेश्चन आता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4, 1/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ये क्वेश्चन भी हमारा एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए अप्लाई कैसे करते हैं, समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स है तो हमने अलग कर लिया, इस एक्स को अपॉन करेंगे तो ये एक्स रह जाएगा, ये कितना रह जाएगा, 1 अपॉन एक्स रह जाएगा, 4 4 जा 16 प्लस 1 17/4 आ जाएगा। पूछ क्या रहा है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, हमने पढ़ा इसके लिए रूल पढ़ा हम लोगों ने, रूल क्या था, इसका क्यूब करो, 17/4 का क्यूब करिए आप, 17/4 का क्यूब और माइनस थ्री ए करते हैं, मतलब माइनस 3 इंटू 17/4 करते हैं। अब 17/4 का क्यूब, 17 का क्यूब, देखिए 17 का क्यूब होता है 4913 और 4 का क्यूब होता है 64, माइनस 3 इंटू 17 मतलब 51/4, और इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 64 यहाँ पे आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4097, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, 4px y x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2y का होल स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन था जो एसएससी में आया, 4px y, आप इसको एक्सपेंड करिए तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, और अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा माइनस x का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 4xy। ये काम तो आप ओरली भी कर सकते थे बेटा, तो x का स्क्वायर और x का स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4y का स्क्वायर और 4y का स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 4px y बराबर आ गया 8xy के, तो xy से xy कैंसिल हो जाएगा, 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, xy से xy कैंसिल हो जाएगा, 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, तो p का वैल्यू कितना आ गया, 2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक्स वाई बराबर 22 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालना है, ऑप्शन दे रहे हैं 12, 144, 72 एंड 6। तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, ये भी क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और वो बराबर होता है बेटा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आपको 100 दे रखा है बेटा, प्लस 2xy के लिए आपको 22 दे रखा है बेटा, तो 2 इंटू 22 करेंगे 44 आ जाएगा, और ये 144 आ जाएगा, और यहां से स्क्वायर रूट लगेगा तो 144 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 12, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेटा। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कॉपी हो रहा है, ये कॉपी हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट लगेगा
सिर्फ प्लस का साइन दे रखा था इसलिए प्लस लगाया, प्लस माइनस दोनों दे रखा होता तो हम प्लस भी लगाते और माइनस भी लगाते, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेटा। देखिए अगला क्वेश्चन जो एसएससी में आया वो ये आया, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द एक्सप्रेशन 12 - 6x एंड 4x + 2 बिकम्स इक्वल। तो ये भी सिंपल है, 12 - 6x इक्वल होना चाहिए किसके, 4x + 2 के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से आप देखिए 6x यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा, तो 4x + 6x और प्लस का 2 उधर आके माइनस का 2 हो जाएगा 10, 10 बराबर हो जाएगा 10x के, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन लेंथी आते हैं एसएससी में, कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल भी आते हैं एसएससी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कि अगला क्वेश्चन एसएससी में इसी पैटर्न को लेकर क्वेश्चन और आया कि इफ 4x - 5 = 3x - 1 देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x + 4 का होल स्क्वायर। तो आपको जो दे रखा है वो देख लो, 4x - 5 बराबर है 3x - 1 के, तो ये प्लस का 3x उधर आके माइनस का 3x, तो 4x - 3x 5 - 1, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। और ये पूछा है आपसे, क्या पूछा है, x + 4 का होल स्क्वायर, मतलब 4 + 4 का होल स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे को दे रखा है इफ 4x - 3 = 3x + 8 फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x + 1 का होल क्यूब, और चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको। देखिए वही सिंपल पैटर्न चल रहा है, क्वेश्चन जो आ रहा है ये भी एसएससी का क्वेश्चन है, 4x - 3 = 3x + 8, तो बेटा 3x प्लस का 3x इधर आके माइनस का 3x और माइनस का 3 उधर आके प्लस का 3, तो x का वैल्यू बेटा कितना आ गया, 11। पूछा क्या है, x + 1 का क्यूब, 11 + 1 का क्यूब, और 11 + 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 12 का क्यूब, और 12 का क्यूब क्या होता है, 1728, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, सारे नंबर ही क्यूब वाले दे रखे थे, आप ऑप्शन से नहीं जा सकते थे, सारे नंबर ही क्यूब है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी एसएससी में आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, x + y 12 है, xy 32 है, x² + y² बताओ। तो सिंपल सी बात है बेटा, हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, x + y² बराबर होता है x² + y² + 2xy, और x + y² मतलब 12 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x² + y² + 2, और xy कितना आ गया, 32, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144, 32 इंटू 2 करेंगे तो 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 64, और प्लस का 64 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो x² + y² आ जाएगा, 4 में से 4 गया 0 और 14 में से 6 गया 8, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेटा। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, अगला क्वेश्चन एसएससी में ये आया, ऑन डिवाइडिंग 144 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बाई 24 बी स्क्वायर सी वी गेट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, 144 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बाय 24 बी स्क्वायर सी, 24 6 = 144, बी स्क्वायर से कटेगा बी रह जाएगा और सी कटेगा तो क्या रह जाएगा, सी स्क्वायर रह जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 6 a³ b c² और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन दे रखा था हमारे को, इफ a + b = -8 a² + b² 34 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। सिंपल सी बात है बेटा, a + b आपको दे रखा है -8, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो a² + b² + 2ab बराबर आ जाएगा 8 - 8 का स्क्वायर, और वो कितना होता है, 64 होता है। ये 34 दे रखा है आपको, 34 + 2ab 64 आ गया, माइनस का करेंगे तो 30 आ जाएगा और अपॉन 2 जाएगा तो 15 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, एसएससी में आया था क्वेश्चन, तो a + b कितना आ गया, 15 आ गया, ab कितना आ गया, 15 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए कोफिशियंट ऑफ x² पूछा गया था, ये क्यूब है बेटा, 6x³ लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंट है, कोफिशियंट ऑफ x² पूछा गया था, 6x³ + 4x² + 2x + 3,
तो कोफिशियंट होता है जो उसके पहले आता है, एक्स स्क्वायर के पहले क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो यही इसका कोफिशियंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल रूट, रियल रूट पूछ रहा है। देखो बेटा, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स आते हैं उनका नेचर पता लगाने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट का यूज करते हैं, और डी बराबर होता है रूट, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी बराबर होता है, डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अगर इसमें तीन कंडीशन होती है, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बड़ा आ जाएगा जीरो से तो हम बोलते हैं रूट जो आएंगे रियल आएंगे एंड अनइक्वल आएंगे, रूट वास्तविक आएंगे और बराबर नहीं आएंगे, भिन्न भिन्न आएंगे, रूट वास्तविक आएंगे और भिन्न भिन्न आएंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर आ जाएगा जीरो के तो हम बोलते हैं रूट रियल आएंगे एंड इक्वल आएंगे, तो उस केस में बोलते हैं रूट रियल आएंगे एंड इक्वल आएंगे। तीसरा केस होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर छोटा आ जाए जीरो से तो हम बोलते हैं रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। ये सिंपल सी बात है बेटा, क्वाड्रेटिक जो होता है उसका जो फैक्टर निकल के आता है उसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो अगर ए बी सी रियल है बेटा तो ये तो रियल ही होगा और ये भी रियल ही होगा, रह गया तो क्या रह गया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी रह गया, तो सारी की सारी कहानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी भी चलती है। तो हमें रियल बोल रहा है, हमें रियल बोल रहा है तो हमें क्या कंडीशन लेनी पड़ेगी, हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बड़ा आ जाए या फिर बराबर आ जाए जीरो के। तो एक एक करके चेक कर लेते हैं आराम से। देखो थ्री का स्क्वायर नाइन, थ्री का स्क्वायर नाइन और नाइन माइनस फोर इंटू सिक्स करेंगे, दिख ही रहा है साफ नेगेटिव आ जाएगा, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता। सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन माइनस टू इन फोर ए सी, फोर इंटू टू इंटू सिक्स करेंगे, फोर इंटू टू इंटू सिक्स करेंगे तो चार दुनी आठ, एट सिक्स फोर्टी एट, तो फोर्टी नाइन माइनस फोर्टी एट और वन आ गया जो बड़ा है जीरो से, तो यही इसका आंसर है। इसके आगे चेक करने का मतलब ही नहीं, सबका आंसर गलत आ रहा होगा, चेक हो जाओ वेरीफाई कर लो एक बार आप बेटा। टू माइनस टू का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, दिख रहा है नेगेटिव आएगा, यहां पे देखो माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, दिख रहा है नेगेटिव आएगा, छोटा आ जाएगा जीरो से, छोटा आ जाएगा जीरो से, रूट्स आर नॉट रियल। तो एक ही केस था जिसमें रूट्स रियल थे, वो केस था बी, तो इस केस में रूट्स रियल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वाड्रेटिक में आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द सम ऑफ इट्स रूट्स हैज फाइव, तो हमें पता है बेटा सम ऑफ द रूट निकालने का फॉर्मूला पता है हमारे को, सम ऑफ द रूट होता है, देखो क्वाड्रेटिक के अंदर फॉर्मूला ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा बीटा रूट है इसके, तो हमें पता है सम ऑफ द रूट जो होता है वो बराबर होता है बेटा माइनस बी अपॉन ए के। चेक कर लेते हैं, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर आएगा माइनस बी बाय ए के, तो प्लस का फाइव आ रहा है और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप बाकी भी चेक कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर आएगा माइनस माइनस फाइव अपॉन माइनस का वन, तो यहां पे ये माइनस का फाइव आ जाएगा, तो ये आंसर गलत है बेटा। इसमें तो माइनस का फाइव दिख रहा है, माइनस का फाइव आएगा, और इसमें भी दिख रहा है माइनस का फाइव आएगा, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो यही आंसर सही है बेटा। एसएससी में क्वेश्चंस इनइक्वालिटी को लेकर आए, तो फोर इंटू फोर एक्स प्लस फाइव बड़ा है टू एक्स माइनस वन बड़ा है फोर एक्स माइनस थ्री के, तो मल्टीप्लाई कर लो, सिक्सटीन एक्स प्लस ट्वेंटी में मल्टीप्लाई कर दिया, बड़ा है टू एक्स माइनस वन के बड़ा है फोर एक्स माइनस थ्री के, तो पेयरिंग बना के सॉल्व करेंगे। जैसे मैं आपको कहूं ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, मतलब ए बड़ा होगा सी से, तो अब हम पेयरिंग बना के सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट पेयर लेते हैं, सिक्सटीन एक्स प्लस ट्वेंटी बड़ा है टू एक्स माइनस वन से, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कन्फर्मली, प्लस का टू एक्स इधर आके माइनस का टू एक्स, और प्लस का ट्वेंटी इधर आके
माइनस का 20, तो बड़ा होगा -20 -1 से, तो x बड़ा होगा -21 अपॉन 14 से, x बड़ा होगा 7 से कट रहा है -3/2 से। अब इन दो को पेयर ले लेते हैं, 2x माइनस 1 बड़ा है 4x माइनस 3 के। अब यहां पे गलती मत करिएगा, इनइक्वालिटी में अगर x माइनस में आना नहीं चाहिए, अगर x माइनस में आता है मतलब हम दोनों, जैसे मैं आपको कहूं a बड़ा है b से, अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाता है, अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाता है। मैं आपको दो तरीके से सिखाता हूं उसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहला तरीका ये होता है जो मैं आपको कह रहा हूं कि आप क्या करो, x को प्लस का रख लो, तो ये 2x छोटा है तो उसको उधर ले आते हैं, तो x तो प्लस का रहेगा, -3 इधर आ जाएगा, तो -3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, और ये प्लस का 2x उधर आके माइनस का 2x हो जाएगा। तो आप क्या पढ़ेंगे इसको, 2 बड़ा है 2x से, या आप कह लो x जो है वो छोटा है 1 से, x जो है वो छोटा है 1 से। दूसरा तरीका हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसको, 2x माइनस 1 बड़ा है 4x माइनस 3 से। अब ये प्लस का 2x, हम इस प्लस के 4x को उधर ले आते हैं, तो क्या होता, माइनस का 4x प्लस का 2x बड़ा हो जाता -3 प्लस 1 से। फिर हमें इसको आगे सॉल्व करना होता तो हम क्या कहते, माइनस का 2x बड़ा है माइनस के 2 से। अब -2 को इधर डिवाइड करने का मतलब होता है आप दोनों तरफ का साइन चेंज कर रहे हो, भाई इसको आप प्लस का बना रहे हो, इसको भी आप प्लस का बना रहे हो, तो ये वाली इनइक्वालिटी लगाना भूल जाते हैं स्टूडेंट्स इस केस में, और फिर उनका आंसर गलत हो जाता है। तो x छोटा हो जाता है किससे, -2/-2 से, मतलब x छोटा हो जाता है किससे, 1 से, और पहले भी तो वही आ रहा था x छोटा है 1 से। तो इन दोनों इनइक्वालिटी को मिला लें, अगर हम इन दोनों इनइक्वालिटी को मिला लें, तो ये कह रहा है x 1 से छोटा है, ये 1 मान लीजिए 1 है, ये कह रहा है x 1 से छोटा है, ये कह रहा है x -3/2 से बड़ा है, नंबर लाइन मिला ली सिंपल सी, x -3/2 से बड़ा है, तो जो वैल्यू इन दोनों में कॉमन होगी, मतलब जो वैल्यू -3/2 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी वही आंसर बनेगी। तो पहला नंबर हमें 2 दे रखा है, 2 तो बाहर चले जाएगा इसके, तो 2 इसका आंसर नहीं बनेगा, 3 भी बाहर चलेगा, 3 भी इसका आंसर नहीं बनेगा, माइनस का 2 भी इसके बाहर चले जाएगा, तो माइनस का 2 भी इसका आंसर नहीं बनेगा, तो आंसर क्या बनेगा, 0 इन दोनों के बीच में आएगा, -3/2 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 0। सेम पैटर्न का और क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए जो SSC में आया इनइक्वालिटी को लेकर, वो ये आया 5x-3 बड़ा है या बराबर है 3+x/2 के, एंड 4x-2 छोटा है या बराबर है 6+x के, देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स। तो बेटा वही हमें इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, आदत ये रखिए हमेशा x को प्लस का रखेंगे, बड़ा है बराबर है 3+x/2 के, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, अपॉन का 2 खत्म हो जाएगा, 10x-6 बड़ा है बराबर है 6+x के, प्लस का x इधर आके माइनस का x 9x, माइनस का 6 उधर आके प्लस का 6 12, तो x बड़ा है बराबर है 12/9 के, मतलब x बड़ा है बराबर है 4/3 के। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4x-2 छोटा है बराबर है 6+x के, प्लस का x इधर आके माइनस का x 3x छोटा है बराबर है प्लस माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 8, तो x छोटा है बराबर है 8/3 के। अब नंबर लाइन पे ले आते हैं, 4/3 जो नंबर है वो 1 point something होता है, और 8/3 जो नंबर है वो 2 point something होता है, तो x 4/3 से बड़ा है मतलब इधर की तरफ जाएगा, और इस वाले में कह रहा है आपको x जो है, जो x है वो 8/3 से छोटा है मतलब इधर की तरफ आएगा, तो जो कॉमन रीजन आएगा वो ये वाला आएगा, मतलब x जो हमारा नंबर है 1 से बड़ा है और ये 2 point something मतलब 1 point से बड़ा है और 2 point something से छोटा है मतलब 2 हो सकता है, बाकी 1 नहीं हो सकता, 1 से तो बड़ा नंबर है, 1 तो यहां पे आ जाएगा,
और माइनस का वन और पहले चल जाएगा और माइनस का टू तो और पहले चल जाएगा, तो एक ही आंसर जो इसके बीच में आ रहा है वो आ रहा है टू, और टू ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, इनइक्वालिटी को लेकर एसएससी में ये आया, 2 इंटू 3x प्लस 5 बड़ा है 4x माइनस 5 से और 4x माइनस 5 छोटा है 3x प्लस 2 से, तो इसको लेकर क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया एसएससी में। देखिए सॉल्व करते हैं, वापस से पहली दो इनइक्वालिटी लेते हैं, तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 बड़ा है 4x माइनस 5 से और 4x माइनस 5 छोटा है 3x प्लस 2 से। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो प्लस का 4x उधर के माइनस का 4x 2x आ जाएगा, प्लस का 10 उधर के माइनस का 10, 2x बड़ा है माइनस 15 से, x बड़ा है माइनस 15 बाय 2 से, x बड़ा है माइनस 7.5 से। अब इसको सॉल्व करते हैं, प्लस का 3x इधर के माइनस का 3x, माइनस का 5 उधर के प्लस का 5, तो x छोटा है 7 से, तो आपको साफ दिखना चाहिए कि x माइनस 7.5 से बड़ा है, x 7 से छोटा है, इससे बड़ा है और 7 से छोटा है, तो इसके बीच में जो नंबर हमें दिख रहा है वो नंबर हमें क्या दिख रहा है इसके बीच में, अब वो देख लो, 8 8 तो बाहर चले जाएगा, 8 तो यहाँ पे कहीं पे आएगा, फिर 6 इसके बीच में आ रहा है और ये आंसर है, माइनस 10 इधर कहीं आएगा और माइनस 8 भी इधर कहीं आएगा, तो आंसर क्या इतना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जो एसएससी में आया आपके पास, वो ये आया कि व्हाट आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 54। तो देखिए बहुत सिंपल सा रूल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 154, इसके फैक्टर्स बनाने हैं आपको, ये 1 है तो पहला स्टेप ये होता है 1 को माइनस 154 से, मतलब a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे माइनस आ रहा है, अगर मल्टीप्लाई करने पे माइनस आता है तो जो फैक्टर बनते हैं वो b से बड़े बनते हैं, एक कम से कम एक फैक्टर बी से बड़ा बनता है, हो सकता है दोनों बी से बड़े बन जाए, तो ऐसे दो नंबर सोचते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 154 आ जाए और जिनको जोड़े घटाएं तो 3 आ जाए, और बहुत सिंपल सी बात है बेटा, एक्स स्क्वायर आ गया 14 11 जा तो 14x आ गया, माइनस 11x आ गया, माइनस 154 आ गया, एक्स कॉमन आ गया बेटा तो एक्स प्लस 14 आ गया, माइनस 11 कॉमन आ गया तो x प्लस 14 आ गया, x प्लस 14 कॉमन आ गया तो x माइनस 11 आ गया, तो इसके दो आंसर आ गए, एक आंसर आया माइनस का 14 और दूसरा आंसर आया 11, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, माइनस 14 और 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 15x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। देखिए मैं आपको फैक्टर बनाने का शॉर्टकट तरीका भी सिखा देता हूँ हाथ की हाथ, कि इसका इसके जो फैक्टर बनाए जाते हैं इसको शॉर्टकट तरीका क्या होता है, आपको बस ऐसे दो नंबर सोचने होंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो ac आ जाए और जोड़े घटाएं तो बीच का नंबर आ जाए। देखिए 15 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 8 तो माइनस का 120 आ रहा है, अगर नेगेटिव आता है तो फैक्टर बड़े बनते हैं, 2 से बड़े। अब ऐसे दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 120 आ जाए और उनका डिफरेंस 2 का आ रहा हो, तो आपको मिल गया नंबर 12 10, तो एक नंबर 12 मिला एक नंबर 10 मिला। बड़े वाले फैक्टर को b का साइन दिया जाता है, तो बहुत सिंपल सी बात है, बड़े वाले फैक्टर को b का साइन देते हैं, छोटे वाले फैक्टर को उसका उल्टा साइन देते हैं, और यहाँ पे अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं 15x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 10x माइनस का 8 इक्वल टू 0, फिर हम कॉमन निकाल के इसको अरेंज कर सकते हैं, मैं सिखा देता हूँ एक बार पूरा करके, तो ये आ गया 3x स्क्वायर, 3x कॉमन आ गया 5x माइनस 4 प्लस यहां से 2 कॉमन आ रहा है 5x माइनस 4, 5x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा
और यहां से 3x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहां से आपके पास x का वैल्यू आ गया 4 बाय 5 और यहां से आपके पास x का वैल्यू आ गया माइनस का 2 बाय 3। तो ये तो मेथड वन हो गया, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है ये वो मेथड हो गया। आंसर तो आ गया 4 बाय 5 और माइनस का 2 बाय 3। लेकिन ये मेथड इज दिस मेथड इज नॉट द बेस्ट मेथड, तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसका सीधा आंसर दे देंगे हमेशा। हमें क्या नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, माइनस का 120 चाहिए। हमें मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, माइनस का 120 चाहिए। और ये पता पड़ रहा है कि ऐसे दोनों में मिल गए, एक माइनस 12 है और एक 10 है, जिनको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 120 आता है और एड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस का 2 आ जाता है। तो बहुत सिंपल शॉर्टकट है बेटा, वो जो भी नंबर आए हैं उनका बाहर से साइन चेंज कर दो, जो भी नंबर आए हैं उनका बाहर से साइन चेंज कर दो, अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट रख दो, वो जो भी नंबर यहां पे लिखे गए थे इनका साइन चेंज कर दो, अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट रख दो, तो आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 12/15 और ये आ गया माइनस का 10/15, ये आपका 5 से कैंसिल हो गया तो आ गया माइनस का 2/3 और ये आपका 3 से कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 4/5 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेटा। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द रियल रूट्स। अभी हमने पढ़ा बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर बड़ा आएगा या बराबर आएगा तो रूट रियल होंगे, तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4ac दिख रहा है कि छोटा आ जाएगा, 16 6 96 छोटा आ जाएगा 0 से, तो ये ऑप्शन गलत है बेटा। फिर देखते हैं 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, साफ दिख रहा है कि नंबर काफी बड़ा आएगा 4 से तो छोटा आएगा 0 से, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है बेटा। फिर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4ac, 4 × 2 × 6 तो 4 × 8 8 6 48, 49 माइनस 48 1 आ गया। स्टूडेंट्स आज का कॉन्सेप्ट है बेटा, देखिए बेटा जितने वेरिएबल्स आते हैं, आप कॉन्सेप्ट समझिए बेटा, कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है बेटा, ध्यान से ध्यान दीजिए पूरा, पे अटेंशन हियर ओनली। जितने वेरिएबल आते हैं, जैसे यहां पर मैं आपको बोलूं एक्स प्लस वाई बराबर 40 है, मैं आपको बोलूं एक्स बताओ वाई बताओ, तो कोई बोलेगा एक्स 10 हो गया तो वाई 30 हो गया, कोई बोलेगा एक्स 20 हो गया तो वाई 20 हो गया, कोई बोलेगा एक्स 30 हो गया तो वाई 10 हो गया। क्या आप मेरे को x और y का यूनिक वैल्यू बता सकते हो, तो आंसर आएगा नो। तो इस केस में हम जैसे दो वेरिएबल दे रखे हैं और एक ही इक्वेशन दे रखा है, तो अगर एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है तो हम एक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल निकाल सकते हैं, तो वन इक्वेशन से ओनली वन वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं, ओनली वन वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जितनी इक्वेशन दे रखी होंगी उतने वेरिएबल फिक्स हो जाएंगे, जैसे मैं आपको बोलूं x प्लस y प्लस z 100 है और मैं आपको बोलूं y माइनस z 60 है, मैं आपको बोलूं x y z बता दूं, तो आप x y z को यूनिकली नहीं बता सकते, दो इक्वेशन दे रखी है और तीन वेरिएबल दे रखे हैं, तो सिर्फ दो ही वेरिएबल का मान आ सकता है, एक वेरिएबल का मान हम कुछ भी मान सकते हैं। तो जितनी इक्वेशन गिवन होंगी उतने वेरिएबल फिक्स हो जाएंगे, जितनी इक्वेशन गिवन होंगी उतने वेरिएबल फिक्स हो जाएंगे, बाकी वेरिएबल्स को हम हमारी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। बस याद रखना है किसी वेरिएबल को हम कुछ मान रहे हैं तो उस वेरिएबल को पुट करने से क्वेश्चन का कोई भी वैल्यू नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। मैं वापिस कह रहा हूं, क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू उस वैल्यू को पुट करने से नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए, तो ऐसा कोई वैल्यू हम मान सकते हैं। जितनी इक्वेशन गिवन है उतने वेरिएबल फिक्स हैं, बाकी को हम कुछ भी मान सकते हैं। इतनी सी बात को समझ लें, इतनी सी बात को लिख लें। जैसे मैं आपको कहूं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके देखिएगा आप एक बार, क्वेश्चन SSC में आया, ये क्वेश्चन जो मैं आपको पूछ रहा हूं, क्वेश्चन ये था बेटा कि x प्लस y बराबर 2017 है, SSC मेंस में आया है क्वेश्चन, 2017 है
और आपको दे रखा था माइनस वन की पावर एक्स प्लस माइनस वन की पावर वाई, और आपसे इसका वैल्यू पूछा था माइनस वन की पावर एक्स और माइनस वन की पावर वाई का वैल्यू बताओ। ऑप्शन दे रखे थे 0, 1, 2 एंड 5। अब देखिए जो गिवन है आपको क्या गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है और दो वेरिएबल गिवन है। तो किसी एक वेरिएबल को आप अपनी इच्छा से कुछ भी मान सकते हो। जैसे आपने मान लीजिए वाई को आपने जीरो मान लिया, तो आपने वाई को जीरो माना तो एक्स कितना आ गया 2017 आ गया। ऑड की पावर कितना ही कर दो, ऑड की पावर ऑड है, माइनस वन की पावर ऑड है, माइनस वन की पावर ऑड करेंगे तो कितना आएगा माइनस वन आएगा, और माइनस वन की पावर जीरो करेंगे तो कितना आएगा वन आएगा। एनी नंबर एस टू पावर जीरो क्या होता है, वन होता है। तो माइनस वन प्लस वन कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वापस देखिए आप वाई को कुछ भी मान सकते जो आपको अच्छा लगे। अगर आपने वाई को मान लीजिए कुछ और माना होता तो भी आपका यही आंसर आता। जैसे मान लीजिए आपने वाई को आपने वन माना होता तो एक्स कितना आया होता 2016 आया होता। अब आपने अगर वाई को वन माना है तो उस केस में क्या होता आपके पास, अगर आपने वाई को वन माना होता तो ये माइनस वन की पावर इवन हो जाता, और एनी माइनस वन की पावर इवन क्या होता है, प्लस का वन होता है, और ये माइनस वन की पावर वन था, माइनस वन की पावर वन क्या होता है, वन होता है, तो ये प्लस का वन आता और ये माइनस का वन आता तो अगेन जीरो आता। तो आप ऐसे कुछ भी मान सकते थे, आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आता इस केस के अंदर, ठीक है। चलिए आपसे ये क्वेश्चन आप पूछते हैं, कोशिश करिएगा आंसर बिना कुछ लिखे बताएं। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाता एक्स प्लस वाई, अगर मान लीजिए आपको कहा जाता कि एक्स प्लस वाई थ्री है, और आपको कहते बताइए वैल्यू एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 9xy प्लस 7 का वैल्यू क्या आएगा। तो देखिए आपको दे क्या रखा है, आपको दे क्या रखा है, एक इक्वेशन दे रखा है, दो वेरिएबल दे रखे, तो किसी एक वेरिएबल को हम कुछ भी मान सकते हैं। कोशिश करा के नहीं जीरो मान के देखें, जीरो मानने से क्वेश्चन में कोई भी चीज नॉट डिफाइन नहीं हो रही। अगर यहाँ पर जीरो रखोगे तो नॉट डिफाइन नहीं होगा, अगर यहाँ पर जीरो रखोगे तो नॉट डिफाइन नहीं होगा। तो हम वाई को जीरो मान सकते हैं, अगर वाई को जीरो माना तो एक्स कितना आ गया, थ्री आ गया, तो एक्स ये क्या आएगा, थ्री का क्यूब आ जाएगा, वाई की जगह जीरो आ जाएगा, जीरो इंटू एन नंबर जीरो होता है, प्लस 7 आ जाएगा, 27 प्लस 7 तो आंसर कितना आ गया 34 आ गया। तो आंसर कितना आ गया 34 आ गया। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं छोटे छोटे से, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस और आए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने ये आता, इफ पी प्लस क्यू प्लस आर इज जीरो। अगर आपको गिवन होता पी प्लस क्यू प्लस आर जीरो है, और आपसे पूछा जाता पी का स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस पी आर प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का वैल्यू बताइए। तो पहला स्टेप, तीन वेरिएबल दे रखे हैं बेटा और एक इक्वेशन दे रखा है, तो हम दो को कुछ भी मान सकते हैं। पहले तो हमने क्या करा, हमने r को हमने जीरो कर दिया। तो बेटा अगर आप r को जीरो कर दोगे तो क्या होगा, आप ध्यान से देखिए, अगर आप r को जीरो कर देते हैं तो आपका ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, आपका ये वाला पार्ट भी जीरो हो जाएगा, और ये पूरा जीरो हो जाएगा। क्या रह जाएगा वो देख लीजिए, पहले तो आप p का स्क्वायर अपॉन p का स्क्वायर रह जाएगा, q का स्क्वायर अपॉन q का स्क्वायर रह जाएगा, और इसको अगर आप सॉल्व करते तो ये वन आता है, ये भी वन आता है, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाता है, टू आंसर आ जाता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा गया होता, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा गया होता, आपको वही गिवन था p प्लस q प्लस r जीरो आपको ये गिवन था, और पूछा आपसे ये गया होता, जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछा गया होता कि बताइए p का स्क्वायर अपॉन 2p का स्क्वायर प्लस qr क्या आएगा, qr प्लस q का स्क्वायर अपॉन 2 q का स्क्वायर प्लस pr प्लस r का स्क्वायर अपॉन 2r का स्क्वायर
प्लस पी क्यू, इसका वैल्यू क्या आएगा? तो वही आपको, आप खुद बताइए कि कितनी इक्वेशन गिवन है आपको, ओनली वन इक्वेशन गिवन है और कितने वेरिएबल है, तीन वेरिएबल है, तो किसी दो को कुछ भी मान सकते हैं। पहला स्टेप आपने आर को जैसे मानो जीरो मान लिया आपने, तो आर को आपने जीरो माना तो यहां से क्या आ रहा है, आर जीरो होते ये पूरा टर्म जीरो हो गया, आर के जीरो होते ये वाला टर्म जीरो हो गया, आर के जीरो होते ये वाला टर्म भी जीरो हो गया, बच क्या गया पी का स्क्वायर अपॉन टू पी का स्क्वायर जो क्या हो जाएगा वन अपॉन टू, और क्यू का स्क्वायर अपॉन वन अपॉन टू क्यू का स्क्वायर अपॉन टू क्यू का स्क्वायर वो भी क्या हो जाएगा वन अपॉन टू, तो वन अपॉन टू और वन अपॉन टू कितना आ जाएगा वन आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर जहां एक से ज्यादा वेरिएबल दे रखे हैं, वेरिएबल ज्यादा है इक्वेशन कम है, तो जितने वेरिएबल ज्यादा है उतने वेरिएबल्स को आप फ्री हैं कुछ भी मानने के लिए, तो उनको आप कुछ भी मान सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं जो एसएससी में आया। देखिए क्वेश्चन एसएससी में ये आया था, इफ रूट वन माइनस पी का स्क्वायर रूट वन माइनस क्यू का रूट में वन माइनस क्यू का स्क्वायर इक्वल टू रूट थ्री अपॉन टू, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टू पी का स्क्वायर प्लस टू क्यू का स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू पी का स्क्वायर प्लस टू क्यू का स्क्वायर माइनस टू पी क्यू का वैल्यू कितना आएगा? तो देखिए अगर आप किसी को जीरो मानते हैं, जीरो मानने से नॉट डिफाइन नहीं होगा, तो आप चाहे तो पी को जीरो मान लें चाहे तो क्यू को जीरो मान लें, जीरो मानने से क्वेश्चन छोटा हो जाता है बस। तो आपने क्यू को जैसे जीरो माना तो आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, रूट वन माइनस पी का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट थ्री अपॉन टू, और जो आपका क्वेश्चन था उस वो क्या हो गया, क्यू को जीरो माना तो ये वाला पार्ट जीरो हो गया, ये वाला पार्ट जीरो हो गया, क्या रह गया रूट टू पी का स्क्वायर, इसमें ये वाला पार्ट जीरो हो गया, ये वाला पार्ट जीरो हो गया, क्या रह गया रूट टू पी का स्क्वायर, तो क्या आ गया रूट टू पी प्लस रूट टू पी, ये आ गया आपके पास, स्क्वायरिंग कर दो पी का वैल्यू आ जाएगा वन माइनस पी का स्क्वायर कितना दे रखा है थ्री बाय फोर, ये प्लस का थ्री बाय फोर इधर आके माइनस का हो जाएगा तो वन माइनस थ्री बाय फोर बराबर आ जाएगा पी का स्क्वायर। तो पी कितना आ गया बेटा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा वन बाय फोर आ जाएगा, और रूट लगेगा तो कितना आ जाएगा वन बाय टू आ जाएगा। अब रूट टू पी प्लस रूट टू पी ये क्या हो जाएगा टू रूट टू पी, और पी का वैल्यू पता है आपको वन बाय टू, तो पी की जगह आप वैल्यू पुट कर देंगे वन बाय टू, टू से टू कट जाएगा तो कितना आ जाएगा रूट टू आ जाएगा, और वही इस क्वेश्चन का आंसर है, तो रूट टू ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप ट्राई करिएगा आप उस क्वेश्चन को ओरली कर सके, मैं क्वेश्चन आपके सामने देखिए फाइव पॉइंट थ्री जो ऑप्शन जैसा रहेगा कटा कट गया वो फाइव पॉइंट थ्री है, फाइव अपॉन थ्री है बेटा, कोशिश करिए कि आप इसका आंसर ओरली दे सके। देखिए आपको क्या दे रखा है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज जीरो फाइंड द वैल्यू ऑफ थ्री वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर अपॉन टू वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर तीन वेरिएबल दे रखे हैं और एक इक्वेशन दे रखा है तो किसी एक को आप कुछ भी मान सकते हैं। तो आपने क्या करा, आपने जेड को जीरो मान लिया, जैसे आपने जेड को जीरो मान लिया, यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा वाई को जीरो नहीं मान सकते, अगर आप वाई को भी जीरो मान लेंगे तो एक्स भी जीरो हो जाएगा और फिर हमारा क्वेश्चन नॉट डिफाइन वाई फॉर्म बन जाएगी, जीरो बाय जीरो फॉर्म बन जाएगी। तो यहां पर हम वाई को जीरो नहीं मान सकते, तो उससे क्या आ गया जेड को जीरो मानना हमने, तो एक्स प्लस वाई कितना आ गया जीरो आ गया। तो यहां पे जेड को जीरो करने से क्या हो रहा है, देखिए आप जेड को जीरो करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा थ्री वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, और जैसे आप जेड को जीरो करेंगे तो क्या बचेगा टू वाई का स्क्वायर बचेगा। अब यहां से आपके पास एक्स का वैल्यू आ रहा है, कितना आ रहा है माइनस का वाई, स्क्वायरिंग करने पे कितना आ रहा है एक्स का स्क्वायर इक्वल टू वाई का स्क्वायर, तो वैल्यू पुट करते हैं थ्री वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन टू वाई का स्क्वायर, तो ये आ गया फोर वाई का स्क्वायर, ये आ गया फोर वाई का स्क्वायर अपॉन टू वाई का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, तो वाई का हमारा आंसर कितना आ गया टू आंसर आ गया, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए वो भी एसएससी में आया, अगला क्वेश्चन ये था हमारे पास जो एसएससी में आया, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए आप। तो आपको दे रखा है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इक्वल टू फोर टाइम्स एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस फोर,
देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 2 प्लस एक्स 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स 3। तो इसका वैल्यू निकालना है बेटा हमारे को। तो हमने क्या करा, हमें पता है हम तीन वेरिएबल हैं, एक दो तीन, और एक इक्वेशन है, दो को कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने x2 को जीरो मान लिया और हमने x3 को भी जीरो मान लिया। जीरो मानने से हमारा क्वेश्चन नॉट डिफाइन नहीं हो रहा, तो हम बोल सकते हैं जीरो बराबर आ गया, जीरो बराबर आ गया 4 इंटू एक्स 1 प्लस 4। भाई जीरो इंटू एनी नंबर जीरो होता है तो जीरो हो गया, 4 भी तरह के जीरो हो गया, तो x1 का वैल्यू कितना आ गया बेटा, माइनस का 4 आ गया। अब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 माइनस 4 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये कितना आ गया, माइनस का 1 बाय 2 आ गया, ये भी 1 बाय 2 आ गया, ये 1 प्लस का 1 बाय 2 प्लस का 1 बाय 2 आ गया, तो 1 बाय 2 और 1 बाय 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 1 बाय 2 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन हमने क्या करा, तो एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, x1 x2 x3 हमारे को तीन वेरिएबल दे रखे हैं, तीन वेरिएबल दे रखे हैं और एक इक्वेशन दे रखा है, तो हम दो को कुछ भी मान सकते थे। तो हमने x2 और x3 को जीरो मान लिया, तो हमने दो को जीरो मान लिया, x2 को जीरो माना, x3 को जीरो माना, ये पूरा जीरो हो गया 4 टाइम्स, ये x1 रह गया और 4 रह गया, बाकी तो सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, क्वेश्चन आपको दे रखा है इफ ए प्लस ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू जीरो, और आपको बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये फाइंड है बेटा, एंड नहीं है, यहाँ पे है एंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी माइनस सी क्यू अपॉन ए क्यू। और देखिए यहाँ पे आप किसी को भी जीरो नहीं मान सकते, अगर ए को जीरो मानेंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, बी को जीरो मानेंगे तो भी नॉट डिफाइन हो जाएगा, और सी को जीरो मानेंगे तो भी नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप किसी को भी जीरो नहीं मान सकते। अब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जहां पर आप किसी को भी जीरो नहीं मान सकते, उस जैसे क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे ना ही हम ए को जीरो मान सकते हैं, ना ही हम बी को जीरो मान सकते हैं, ना ही हम सी को जीरो मान सकते हैं। तो अभी भी हमारे पास तीन वेरिएबल हैं और एक इक्वेशन है, तो बाकी को हम कुछ भी मान सकते हैं। तो जिनकी पावर बड़ी आ रही है उनको कुछ मान लेते हैं। तो हमें दिख रहा है ए की पावर 3 है और सी की पावर भी 3 है, तो ए और सी को हम कुछ मान सकते हैं। तो हमने बोला ए को हमने 1 मान लिया और सी को भी हमने 1 मान लिया, भाई हम कुछ भी मान सकते हैं, हम फ्री है मानने के लिए, क्योंकि तीन वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, तो एक ही वेरिएबल फिक्स है। तो जिसकी पावर बड़ी दिख रही थी मेरे को क्वेश्चन के अंदर, मैंने उसको 1 मान लिया ताकि मेरा कैलकुलेशन का पार्ट इजी हो जाए। तो मैंने ए को 1 माना तो क्या आया, 1 अपॉन बी, यहाँ पे क्या आएगा, बी अपॉन 1, और ये क्या आएगा, सी अपॉन ए, मतलब 1 अपॉन 1 बराबर 0। क्वेश्चन क्या रह जाएगा, ए को 1 माना है, सी को 1 माना, तो ये 1 रह जाएगा, अपॉन में बी स्क्वायर रह जाएगा, ऊपर बी स्क्वायर रह जाएगा, नीचे 1 रह जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा, माइनस 1 अपॉन 1। तो अब बस क्वेश्चन इतना सा रहेगा, बी प्लस 1 अपॉन बी, बी प्लस 1 अपॉन बी बराबर माइनस 1 है बेटा, हमें बी का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी का स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायरिंग कर दो, बी का स्क्वायर आएगा प्लस 1 अपॉन बी का स्क्वायर आएगा प्लस 2 ए बी आएगा, प्लस का 2 ए बी उधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का 1 हो जाएगा स्क्वायरिंग करने पर, तो ये कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 2 कितना होता है, 1 माइनस 2 कितना होता है, माइनस का 1 होता है, तो माइनस का 1, इसका वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया, और एक माइनस का 1 पहले से है, तो आंसर कितना आ गया, माइनस का 2, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मतलब आपको ये बात समझ में आ रही है कि अगर जीरो मानने से नॉट डिफाइन हो रहा है तो हमें जीरो नहीं मानना है, तो हमें किसको क्या मानना है, तो हमें उन वेरिएबल्स को स्मॉल वैल्यू माननी है जिनकी पावर्स बड़ी बड़ी दे रखी क्वेश्चन के अंदर, ताकि हमारी कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा इजी हो जाए और हम आराम से सॉल्व कर सकें। अगला क्वेश्चन देखिए आप, इस पैटर्न को लेकर क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे कॉम्पिटिशन में आए, दे रखा है पी क्यू आर इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन पी प्लस क्यू की पावर माइनस 1, 1 अपॉन क्यू प्लस आर की पावर माइनस 1, और 1 अपॉन ये आर प्लस पी की पावर माइनस 1 है बेटा, आर मैं काट के लिख रहा हूं आपसे, 1 अपॉन 1 प्लस आर प्लस बी की पावर माइनस 1, और बोल रहा है अब इसका वैल्यू बताओ। तो देखो बेटा तीन वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है, तो यहां पर पहली बात तो हम जीरो नहीं मान सकते। जीरो क्यों नहीं मान सकते, अगर आप मान लो क्यू को जीरो मान लेते हो या आर को जीरो मान लेते हो, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय जीरो क्या होता है, जीरो हो जाता है, और वो बराबर 1 के आ जाएगा जो कि गलत है। तो यहां पर हम जीरो तो नहीं मान सकते, जीरो इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि जीरो मानेंगे तो बाकी वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगी, जीरो बराबर 1 आ नहीं सकता, तो हम क्या मानेंगे, छोटी छोटी वैल्यू माननी चाहिए। तो हमने क्यू को बराबर 1 मान लिया, आर को बराबर हमने 1 मान लिया,
तो ये क्या आ गया, पी भी हमारा वन आ जाएगा। देखो मैंने पी को वन नहीं माना है, पी अपने आप आया, पी इंटू वन इंटू वन बराबर वन हो गया, तो पी का वैल्यू कितना आ गया, वन आ गया। और ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ये देखो वन अपॉन वन प्लस वन प्लस वन, ये भी क्या बनेगा, वन अपॉन भाई वन की पावर माइनस वन, वन ही होता है बेटा, और ऐसा तीन बार आ रहा है, ऐसा तीन बार आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन थ्री इंटू थ्री, और थ्री और थ्री कैंसिल हो जाएगा तो वन आ जाएगा। इस क्वेश्चन को तो हम लॉन्ग तरीके से भी कर सकते थे, कैसे करते, ये क्यू अपॉन माइनस वन दिख रहा है आपको, अगर आप इसको एलसीएम देखे सॉल्व करते तो भी आपका आंसर आ जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, और आपको दे रखा है वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर माइनस बी, वन अपॉन एक्स की वन प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर माइनस सी, वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर सी प्लस एक्स की पावर माइनस सी। वापिस देखिए बेटा कि आपको एक इक्वेशन दे रखी है और तीन वेरिएबल दे रखे हैं, तो आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं। तो आपने बी को जीरो माना और सी को जीरो माना, बी और सी को जीरो मानने से नॉट डिफाइन कुछ भी नहीं हो रहा, तो अगर बी जीरो है सी जीरो है तो ए भी कितना हो गया, जीरो हो गया। और किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो कर दो तो वो कितना आ जाता है, वन आ जाता है। तो इसकी इसकी पावर जीरो हो जाएगी तो वन हो जाएगा, इसकी पावर जीरो हो जाएगी वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा और ये भी वन हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, वन अपॉन वन प्लस वन प्लस वन, और ऐसा कितनी बार आएगा, तीन बार आएगा, तो वन अपॉन थ्री इंटू थ्री आ जाएगा, और थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा तो कितना रह जाएगा, वन रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा सिमेट्री को, इसको लेकर कॉन्सेप्ट को लेकर। अब ऐसे क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार पूछेगा, देखिए आप, ये भी एसएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, आपसे बोल रहा है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इक्वल टू थ्री वन प्लस एक्स वाई जेड, टी दे रखा है जेड वाई प्लस जेड माइनस एक्स, क्यू दे रखा है जेड प्लस एक्स माइनस वाई, आर दे रखा है एक्स प्लस वाई माइनस जेड, और पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी का क्यू प्लस क्यू का क्यू प्लस आर का क्यूब माइनस थ्री पी क्यू आर। तो देखो बेटा आपको दे क्या रखा है, आपको एक इक्वेशन दे रखा है और तीन वेरिएबल दे रखे हैं, आपको एक इक्वेशन दे रखा है और तीन वेरिएबल दे रखे हैं, तो अब हम दो वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं। तो कोई से भी दो वेरिएबल को आप कुछ भी मान लो, जैसे मैंने एक्स को जीरो मान लिया, वाई को मैंने जीरो मान लिया। अब देखो एक्स को जीरो मान, तो ये जीरो हो गया, जीरो का क्यूब जीरो होता है, वाई का क्यूब जीरो का क्यूब जीरो हो गया, क्या रह गया, जेड का क्यूब रह गया इक्वल टू थ्री रह गया वन प्लस, और एक्स वाई जेड को वाई एक्स और वाई का जीरो, जीरो इंटू एनी नंबर जीरो होता है, तो ये भी जीरो आ गया। तो क्या आ गया बेटा हमारे पास, जेड का क्यूब कितना आ गया, थ्री आ गया। अगर एक्स और वाई को जीरो करेंगे आप, अगर एक्स और वाई को आप जीरो करेंगे तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा आप बताओ, वाई को जीरो कर दो एक्स को जीरो कर दो आप, तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा। क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, आपने एक्स और वाई को जीरो कर दिया तो क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्यू का वैल्यू भी जेड आ जाएगा। आपने वाई को जीरो कर दिया और जेड को जीरो कर दिया, सॉरी एक्स को जीरो कर दिया, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर का वैल्यू आ जाएगा माइनस का जेड, आपसे ये पूछा गया था। इसमें वैल्यू आ गया देखो, पी का क्यूब मतलब जेड का क्यूब, क्यू का क्यूब मतलब वापिस से जेड का क्यूब, आर का क्यूब मतलब वापिस से माइनस जेड का क्यूब, माइनस थ्री पी क्यू आर, तो जेड को जेड से मल्टीप्लाई करें जेड स्क्वायर, और माइनस जेड से मल्टीप्लाई करें तो माइनस जेड का क्यूब, तो माइनस जेड का क्यूब क्या हो जाएगा, प्लस जेड का क्यूब, ये माइनस जेड का क्यूब और प्लस जेड का क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस जेड का क्यूब और माइनस का जेड का क्यूब कैंसिल हो जाएगा, थ्री जेड क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना हो जाएगा, फोर जेड क्यूब, और जेड क्यूब का वैल्यू कितना आया था, थ्री आया था, तो फोर इंटू थ्री आंसर कितना आ गया, ट्वेल्व। तो देखिए बेटा कॉन्सेप्ट तो वही है ना कि एक इक्वेशन दे रखा था और एक से ज्यादा वेरिएबल थे, तो जो बाकी जो वेरिएबल थे एक वेरिएबल के अलावा उनको हम कुछ भी मान सकते थे, बस हम ऐसी वैल्यू नहीं मान सकते जिससे रखने से हमारा क्वेश्चन गिवन हो जाए या जो हमारे को गिवन है वो नॉट डिफाइन हो जाए। ऐसा क्वेश्चन है जिसे कुछ रखने से कोई चीज नॉट डिफाइन हो जाए, ऐसा कुछ वैल्यू नहीं रख सकते, बाकी हम कुछ भी रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, इफ एक्स इक्वल टू थर्ड रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस थर्ड रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब देन एक्स क्यूब प्लस थ्री बी एक्स इज इक्वल टू। देखो ये भी एसएससी मेंस में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो बेटा एक इक्वेशन दे रखा है आपको और आपको तीन वेरिएबल दे रखे, दो वेरिएबल दे रखे हैं ए और बी, तो आप एक वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने बी को जीरो कर दिया,
तो अगर आप बी को जीरो कर देते हैं क्या बचेगा आपके, वो देख लीजिए। अब आप एक्स इक्वल टू थर्ड रूट ऑफ ये ए, बी जीरो हो गया तो बी तो खत्म हो गया यहां से, ए स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो ए रह जाएगा, तो ए प्लस ए टू ए आ जाएगा, प्लस थर्ड रूट ऑफ ए, यहां पे बी को जीरो कर देंगे तो बी तो खत्म हो जाएगा पूरा की पूरा, ए स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो ए रह जाएगा, तो ए माइनस ए, मतलब ये पूरा पार्टी खत्म हो गया। मतलब हमारा एक्स का वैल्यू क्या रह गया बेटा, एक्स का वैल्यू रह गया थर्ड रूट ऑफ टू ए, और यहां पे भी हम बी को जीरो कर देंगे तो क्या पूछा हमसे, हमसे पूछा है एक्स क्यूब बताओ, तो एक्स क्यूब निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, अब इसको क्यूबिंग कर दो दोनों तरफ, तो एक्स क्यूब कितना आ जाएगा, टू ए आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, देखिए ये क्वेश्चन भी एसएससी मेंस में आया, एम माइनस फाइव एल इक्वल टू टू, एम का क्यूब माइनस 125 एन का क्यूब माइनस 30 एम एन, इसका वैल्यू क्या आएगा, एक मिनट वीडियो को पॉज करिए, आपको सोचिए इसका वैल्यू, आपको आपको क्लिक कर जाएगा एक सेकंड के अंदर। देखिए आप, आपने एन को जीरो मान लिया, दो वेरिएबल दे रखे थे बेटा और एक इक्वेशन दे रखा था, तो एक वेरिएबल को हम कुछ भी मान सकते थे, एम कितना आ गया, टू आ गया, जैसे ही आपने एन को जीरो किया तो क्या रह गया, एम क्यूब रह गया, एन जीरो हो गया तो ये वाला पार्ट जीरो हो गया, एन को जीरो किया तो ये भी जीरो हो गया, तो माइनस जीरो माइनस जीरो, तो टू का क्यूब आंसर हो जाएगा, टू का क्यूब कितना होता है एट, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बेटा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बेटा। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने ये आ जाता, सपोज करिए क्वेश्चन ये आता आपके पास, फटाफट आंसर दीजिएगा, देखते कितना जल्दी आंसर दे पाते हैं। क्वेश्चन ये आता ए प्लस बी बराबर फाइव सी है, ए प्लस बी बराबर फाइव सी है, आपसे पूछ रहे हैं बताइए ए अपॉन ए माइनस सी प्लस बी अपॉन बी माइनस सी का वैल्यू कितना आएगा, ऑप्शन वही है जीरो वन टू थ्री, बताइए इसका आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन ये आपके सामने, अगर ए प्लस बी बराबर फाइव सी दे रखा है आपको और क्वेश्चन कह रहा है आपको बताओ ए अपॉन ए माइनस सी प्लस बी अपॉन बी माइनस सी का वैल्यू कितना आएगा, तो ज्यादा सोचिए मत, आप सी को जीरो मान लीजिए, तीन वेरिएबल दे रखे एक इक्वेशन दे रखा है, सी को जीरो मानते आपको दिख रहा है सी जीरो हो गया तो ए प्लस बी जीरो आ गया, और सी को जीरो करते ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा तो क्या रह जाएगा ए अपॉन ए, ये वाला पार्ट भी जीरो हो जाएगा तो क्या रह जाएगा बी अपॉन बी, मतलब बच क्या जाएगा वन अपॉन वन, वन अपॉन वन वन और वन अपॉन वन वन, वन प्लस वन कितना आंसर आ जाएगा टू आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत फटाफट किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया जाए ए प्लस बी बराबर है टेन सी के और आपसे पूछा जाए टू ए अपॉन ए माइनस थ्री सी प्लस टू ए अपॉन टू बी अपॉन सॉरी टू बी अपॉन बी माइनस फोर सी, इसका वैल्यू बताओ, तो यहां पर भी हमारे पास तीन वेरिएबल हैं बेटा और एक ही इक्वेशन दे रखा है, तो तीन वेरिएबल है एक ही इक्वेशन है, तो हम सी को जीरो मान सकते हैं, सी को जीरो माना तो क्या आ गया ए प्लस बी बराबर टेन है, और सी को जीरो माने से क्या हुआ ये जीरो हो गया, क्या आ गया टू ए अपॉन ए आ गया, सी को जीरो माना तो ये जीरो हो गया क्या आ गया टू बी अपॉन बी आ गया, ए से ए कैंसिल हो गया बी से बी कैंसिल हो गया तो क्या रह गया टू प्लस टू रह गया, आंसर कितना आ गया, आंसर कितना आ गया फोर आ गया, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी अपॉन सी प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस सी ए प्लस ए अपॉन बी, ऑप्शन दे रखे एट माइनस थ्री नाइन जीरो, एट माइनस थ्री नाइन जीरो, तो मैंने आपको पहले ही बताया, देखो आप यहाँ पे ए को जीरो नहीं मान सकते, यहाँ पर आप बी को भी जीरो नहीं मान सकते, अगर जीरो मानेंगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा वो नॉट डिफाइन कर देगा, और यहाँ पर आप सी को भी जीरो नहीं मान सकते, तो यहाँ पे आपको साफ दिखना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी जीरो दे रखा है, इसका मतलब है ए प्लस बी कितना है माइनस का सी है, बी प्लस सी कितना है माइनस का ए है, और सी प्लस ए कितना है माइनस का बी है, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस का सी अपॉन सी प्लस माइनस का ए अपॉन ए प्लस माइनस का बी अपॉन बी, और ये कट जाएगा तो माइनस का वन और माइनस का वन, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस का थ्री, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। अगर यहाँ पे टू आ जाता, मान लीजिए यहाँ पे टू होता, यहाँ पे भी टू होता और यहाँ पे भी टू होता, तो टू सी होता टू ए होता टू बी होता, तो क्या होता है यहाँ पे भी टू आ जाता बेटा एक्स्ट्रा के अंदर,
यहाँ पे भी टू आता है एक्स्ट्रा के अंदर, यहाँ पे भी टू आता, तो माइनस का वन बाय टू, माइनस का वन बाय टू और माइनस का वन बाय टू आता, तो आंसर कितना आता, माइनस का थ्री बाय टू आ जाता। अगर अलग अलग नंबर होते तो भी आंसर आ जाता हमारे पास। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ढंग से समझ लीजिए एक बार, ताकि आप आगे जाके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सके इसको लेकर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके पास एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर जीरो दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और आपको दे रखा है एक्स वाई जेड जो है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकते। भाई अगर एक्स वाई जेड को जीरो मान लेंगे आप तो ये वैसे भी नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, जो सबसे सिंपल तरीका वो ये होता है, वो ये होता है आपको क्या दे रखा है, एक्स वाई दे रखा है प्लस वाई जेड दे रखा है प्लस जेड एक्स दे रखा है, कितना दे रखा है जीरो दे रखा है। यहाँ पे देखो वाई जेड है तो वाई जेड का वैल्यू आ जाएगा एक्स वाई प्लस जेड एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का वाई जेड, यहाँ पे जेड एक्स है जेड एक्स का वैल्यू आ जाएगा क्या आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड बराबर आ जाएगा माइनस का जेड एक्स, और यहाँ पर एक्स वाई है तो एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा क्या आ जाएगा वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का एक्स वाई, और अब यहाँ पे लाके वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड था तो उसकी जगह क्या आएगा एक्स वाई प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस, अब तो आपको समझ में आ गया वो क्या रहा है, इसमें से एक्स कॉमन निकल जाएगा बेटा पूरे में से, इस पूरे में से एक्स कॉमन निकल जाएगा क्या बचेगा वन अपॉन एक्स कॉमन निकल जाएगा और क्या बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब तो आपको दिख रहा होगा इसके अंदर भी क्या होने वाला है। अगर वैल्यू पुट करेंगे वन अपॉन वाई स्क्वायर प्लस माइनस जेड एक्स की जगह वैल्यू आएगा तो क्या आएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड आएगा, और फिर इसमें से वाई कॉमन निकल जाएगा बेटा तो क्या बचेगा, एक तो वाई बचेगा एक एक्स और एक जेड, क्या बचेगा वन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचेगा, वन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। फिर इसी तरीके से आप इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट करेंगे तो आएगा वन अपॉन जेड स्क्वायर और एक्स वाई की जगह क्या आ जाएगा एक्स वाई की जगह आ जाएगा वाई जेड प्लस जेड एक्स, और यहां से आपका जेड कॉमन निकल जाएगा बेटा, जेड कॉमन निकल जाएगा क्या बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इस पूरे में से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकल जाएगा क्या बचेगा बेटा वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉन जेड, और अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई जेड एलसीएम आ जाएगा और क्या रहेगा वाई जेड, क्या रहेगा एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड एक्स जेड और एक्स वाई, और इसका वैल्यू हमारे को जीरो दे रखा था, इसका वैल्यू क्वेश्चन में हमारे को स्टार्टिंग में देखो जीरो दे रखा था बेटा, इसका वैल्यू हमारे को स्टार्टिंग में जीरो दे रखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसकी जगह जीरो आ जाएगा, और जीरो अपॉन एनी नंबर जीरो होता है, तो ये क्वेश्चन का आंसर था बेटा जीरो। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, देखिए ये क्वेश्चन भी एसएससी में आया और क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू टू एस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस एस माइनस बी का स्क्वायर प्लस एस माइनस सी का स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता था बेटा, इफ इन अ ट्राइंगल एबीसी, इन अ ट्राइंगल एबीसी ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल रेस्पेक्टिवली एंड एस डिनोट्स द सेमी पेरीमीटर एस डिनोट्स द सेमी पेरीमीटर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ तो वही बात है, हमें पता है एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर क्या होता है बेटा, तो भी पता है ए प्लस बी प्लस सी बाय टू होता है, मतलब क्वेश्चन पूछने के 100 तरीके हो सकते हैं एग्जामिनर के पास, क्वेश्चन वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता था, क्वेश्चन समझ में आ गया ट्राइंगल एबीसी को ऐसे बोलते हैं, तो ट्राइंगल हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री में डिटेल के अंदर, इन ट्राइंगल एबीसी के अंदर जो ट्राइंगल होता है बेटा इसको इसको अगर ए बोले इसको अगर बी बोले इसको सी बोले तो ए के सामने वाले को स्मॉल ए बोलते हैं साइड को, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी बोलते हैं, सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी बोलते हैं,
फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा भी जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि देखिएगा बेटा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर टू एस दे रखा है और बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस एस माइनस बी का स्क्वायर प्लस एस माइनस सी का स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, तीन वेरिएबल, चार वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, तो तीन को कुछ भी मान सकते हैं। फिलहाल तो हमने एस को जीरो करा, फिलहाल एक बार तो एस को जीरो किया तो ये जीरो हो गया, क्या रह गया ए का स्क्वायर रह गया। एस को जीरो किया तो ये भी जीरो हो गया, क्या रह गया बी का स्क्वायर रह गया। एस को जीरो किया तो ये भी जीरो हो गया, क्या रह गया सी का स्क्वायर रह गया। और एस को जीरो किया तो ये भी जीरो हो गया, अपॉन में क्या आ गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर और आंसर आ गया वन। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा जो हमारे पास आया एस एस सी में। कोशिश करिएगा क्वेश्चन देखते हैं आंसर बता दें। ए प्लस बी बराबर टू सी, देन द वैल्यू ऑफ ए अपॉन ए माइनस सी प्लस बी अपॉन सी माइनस प्लस सी अपॉन बी माइनस सी। अभी मैंने कराया ऐसा कि ऐसा इस प्रकार का क्वेश्चन जो एस एस सी में आया, क्वेश्चन का लेवल ही नहीं है। ए प्लस बी बराबर टू सी दे रखा है आपको, तो आपको तीन वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, तो किसी एक को कुछ मान लेते हैं। फिलहाल तो सी को जीरो माना तो क्या रह गया ए अपॉन ए रह गया, और सी को जीरो माना तो ये जीरो हो गया। जीरो अपॉन एनी नंबर जीरो होता है भाई। सी को जीरो माना है तो ये जीरो नीचे जीरो नहीं आ रहा बेटा, नीचे बी माइनस जीरो आ रहा है, ये पूरा जीरो होता है। बच के आ गया ए अपॉन ए, मतलब आंसर कितना आ गया वन आंसर आ गया। और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन भी एस एस सी में आया। आंसर दीजिए फटाफट, ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर माइनस बी सी। तो सी को जीरो कर दो बेटा, सी को जीरो किया तो क्या आ गया ए प्लस बी जीरो आ गया। यहाँ पे हम बी को जीरो नहीं कर सकते, सी को जीरो कर तो ये जीरो हो गया, क्या रह गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। ए बराबर किसके आ गया माइनस बी के आ गया, स्क्वायरिंग कर दो तो ए का स्क्वायर बराबर आ गया बी के स्क्वायर के, और ये सॉल्व हो गया बेटा। दो बार ए का स्क्वायर आ गया अपॉन ए का स्क्वायर आ गया, आंसर कितना आ गया आंसर दो आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट फटाफट। अब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो दे रखा है, ये क्वेश्चन हो गया शायद मेरे ख्याल में अभी हो गया। हाँ ये क्वेश्चन तो हो गया खत्म। एक क्वेश्चन ये और देख लीजिए, ये भी एस एस सी में क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन भी एस एस सी में आया। इस जैसा क्वेश्चन और आया था स्टार्टिंग में, आया था रूट बी का स्क्वायर वाला, तो रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस ए बी बराबर वन दे रखा है। पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वन माइनस ए का स्क्वायर वन माइनस बी का स्क्वायर। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, किसी एक को जीरो मान सकते हैं, और जीरो माने से नोटिफाई नहीं आएगा तो बी को जीरो कर दो बेटा, और सॉल्व हो गया क्वेश्चन। बी को जीरो किया तो ये पूरा जीरो हो गया बेटा, बी को जीरो किया तो ये भी पूरा जीरो हो गया बेटा। क्या बचेगा ए बचेगा प्लस ए बचेगा बराबर वन आ जाएगा, तो टू ए का वैल्यू वन आ गया। ए का वैल्यू कितना आ गया वन बाय टू आ गया। बी को जीरो किया तो ये वाली बात खत्म हो गई, तो बच के आ गया वन माइनस वन बाय फोर इंटू वन, मतलब आंसर कितना आ गया थ्री बाय फोर। वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।